इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय एक सुलेमान के राज्य का आरंभ। दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। और सुलेमान ने सारे इसराइल से अर्थात सहस्त्रपतियों, शतपतियों, न्यायियों और इसराइल के सब रईसों से जो पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष थे बातें की। और सुलेमान पूरी मंडली समेत गिबोन के ऊंचे स्थान पर गया, क्योंकि परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू जिसे यहोवा के दास मूसा ने जंगल में बनाया था वह वहीं पर था, परंतु परमेश्वर के संदूक को दाऊद किर्यत्यारीम से उस स्थान पर ले आया था जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। उसने तो उसके लिए यरूशलेम में एक तंबू खड़ा कराया था और पीतल की जो वेदी उरी के पुत्र बसलेल ने जो हूर का पोता था बनाई थी वह गिबोन में यहोवा के निवास के सामने थी। इसलिए सुलेमान मंडली समेत उसके पास गया और सुलेमान ने वही उस पीतल की वेदी के पास जाकर जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूली के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी और न ऐश्वर्य और न अपने बैरियों का प्राण और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वरदान मांगा है जिससे तू मेरी प्रजा का जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। तब सुलेमान गिबोन के ऊंचे स्थान से अर्थात मिलाप वाले तंबू के सामने से यरूशलेम को आया और वहां इसराइल पर राज्य करने लगा। फिर सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए और उसके 1400 रथ और 12000 सवार थे और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने ऐसा किया कि यरूशलेम में सोने चांदी का मूल्य बहुतायत के कारण पत्थरों का सा और देवदारों का मूल्य नीचे के देश के गुलरों का सा बन गया। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड के झुंड ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ तो 600 शेकेल चांदी पर और एक घोड़ा 150 शेकेल पर मिस्र से आता था और इसी दाम पर वे हित्तियों के सब राजाओं और अराम के राजाओं के लिए उन्हीं के द्वारा लाया करते थे। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय दो इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय दो मंदिर का बनाना। और सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। इसलिए सुलेमान ने 70,000 बोझिए और 80,000 पहाड़ से पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और इन पर 3,600 मुखिये गिनती करके ठहराए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हुराम के पास कहला भेजा कि जैसा तूने मेरे पिता दाऊद से बर्ताव किया अर्थात उसके रहने का भवन बनाने को देवदार भेजे थे वैसा ही अब मुझसे भी बर्ताव कर। देख, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूं कि उसे उसके लिए पवित्र करूं और उसके सन्मुख सुगंधित धूप जलाओ
और नित्य भेंट की रोटी उसमें रखी जाए और प्रतिदिन सवेरे और सांझ को और विश्राम और नए चांद के दिनों में और हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नियत पर्वों में होमबलि चढ़ाया जाए। इसराइल के लिए ऐसी ही सदा की विधि है और जो भवन मैं बनाने पर हूं वह महान होगा क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। परंतु किसकी इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वह तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूं कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी मनसा से उसका भवन बनाओ? सो अब तू मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेज दे जो सोने चांदी पीतल लोहे और बैंजनी लाल और नीले कपड़े की कारीगरी में निपुण हो और नक्काशी भी जानता हो कि वह मेरे पिता दाऊद के ठहराए हुए निपुण मनुष्यों के साथ होकर जो मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहते हैं काम करे। फिर लबानोन से मेरे पास देवदार सनोवर और चंदन की लकड़ी भेजना क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे दास लबानोन में वृक्ष काटना जानते हैं और तेरे दासों के संग मेरा दास भी रहकर मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे क्योंकि जो भवन मैं बनाना चाहता हूं वह बड़ा और अचंभे के योग्य होगा और तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे उनको मैं 20,000 कोर कूटा हुआ गेहूं 20,000 कोर जव 20,000 बत दाखमधु और 20,000 बत तेल दूंगा। तब सोर के राजा हुराम ने चिट्ठी लिखकर सुलेमान के पास भेजी कि यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, इससे उसने तुझे उसका राजा कर दिया। फिर हुराम ने यह भी लिखा कि धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है और उसने दाऊद राजा को एक बुद्धिमान चतुर और समझदार पुत्र दिया है ताकि वह यहोवा का एक भवन और अपना राजभवन भी बनाए। इसलिए अब मैं एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष को अर्थात हुराम अभी को भेजता हूँ जो एक दानी स्त्री का बेटा है और उसका पिता सोर का था और वह सोने चांदी पीतल लोहे पत्थर लकड़ी बैंजनी और नीले और लाल और सूक्ष्म सन के कपड़े का काम और सब प्रकार की नक्काशी को जानता और सब भांति की कारीगरी बना सकता है। सो तेरे चतुर मनुष्यों के संग और मेरे प्रभु तेरे पिता दाऊद के चतुर मनुष्यों के संग उसको भी काम मिले और मेरे प्रभु ने जो गेहूं जव तेल और दाखमधु भेजने की चर्चा की है उसे अपने दासों के पास भिजवा दे और हम लोग जितनी लकड़ी का तुझे प्रयोजन हो उतनी लबानोन पर से काटेंगे और बेड़े बनवाकर समुद्र के मार्ग से जापा को पहुंचाएंगे और तू उसे यरूशलेम को ले जाना। तब सुलेमान ने इसराइली देश के सब परदेशियों की गिनती ली। यह उस गिनती के बाद हुई जो उसके पिता दाऊद ने ली थी और वे 1,03,600 पुरुष निकले। उनमें से उसने 70,000 बोझिय 80,000 पहाड़ पर पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और 3,600 उन लोगों से काम करने वाले मुखिये नियुक्त किए। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 3 तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरियाह नाम पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। उसने अपने राज्य के चौथे वर्ष के दूसरे महीने के दूसरे दिन को बनाना आरंभ किया। परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया उसका यह ढब है अर्थात उसकी लंबाई तो प्राचीन काल की नाप के अनुसार 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी और भवन के सामने के ओसारे की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई 120 हाथ की थी। सुलेमान ने उसको भीतर चोखे सोने से मढ़वाया और भवन के बड़े भाग की छत उसने सनोवर की लकड़ी से पटवाई और
उसको अच्छे सोने से मढ़वाया और उस पर खजूर के वृक्ष की और सांकलों की नक्काशी कराई। फिर शोभा देने के लिए उसने भवन में मणि जड़वाए और यह सोना परवैम का था। और उसने भवन को अर्थात उसकी कड़ियों, द्रेवड़ियों, भीतों और किवाड़ों को सोने से मढ़वाया और भीतों पर करूब खुदवाए। फिर उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनाया। उसकी लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी। और उसने उसे 600 किक्कार चोखे सोने से मढ़वाया और सोने की किलो का तौल 50 शेकेल था। और उसने अटारियों को भी सोने से मढ़वाया। फिर भवन के परम पवित्र स्थान में उसने नक्काशी के काम के 2 करूब बनवाए और वे सोने से मढ़वाए गए। करूबों के पंख तो सब मिलकर 20 हाथ लंबे थे, अर्थात एक करूब का एक पंख 5 हाथ का और भवन की भीत तक पहुंचा हुआ था। और उसका दूसरा पंख 5 हाथ का था और दूसरे करूब के पंख से मिला हुआ था। और दूसरे करूब का भी एक पंख 5 हाथ का था और भवन की दूसरी भीत तक पहुंचा हुआ था। और दूसरा पंख 5 हाथ का और पहले करूब के पंख से सटा हुआ था। इन करूबों के पंख 20 हाथ फैले हुए थे और वे अपने अपने पाओ के बल खड़े थे और अपना अपना मुंह भीतर की ओर किए हुए थे। फिर उसने बीच वाले पर्दे को नीले, बैंजनी और लाल रंग के सन के कपड़े का बनवाया और उस पर करूब कढ़वाए। और भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे 2 खंभे बनवाए और जो कंगनी एक एक के ऊपर थी वह 5-5 हाथ की थी। फिर उसने भीतरी कोठरी में सांकले बनवाकर खंभों के ऊपर लगाई और 100 अनार भी बनाकर सांकलों पर लटकाए। उसने इस खंभों को मंदिर के सामने एक तो उसकी दाहिनी और दूसरा बाई ओर खड़ा कराया। और दाहिने खंभे का नाम याकीन और बाएं खंभे का नाम बोअज रखा। इतिहास की पुस्तक 2 अध्याय 4। इतिहास की पुस्तक 2 अध्याय 4। फिर उसने पीतल की एक वेदी बनाई। उसकी लंबाई और चौड़ाई 20-20 हाथ की और ऊंचाई 10 हाथ की थी। फिर उसने एक ढाला हुआ हौद बनवाया जो छोर से छोर तक 10 हाथ तक चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेर 30 हाथ के नाप का था। और उसके तले उसके चारों ओर एक एक हाथ में 10-10 बैलों की प्रतिमाएं बनी थी जो हौद को घेरे थे। जब वह ढाला गया तब ये बैल भी 2 पांति करके ढाले गए और वह 12 बने हुए बैलों पर धरा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे। और इनके ऊपर हौद धरा था और उन सबों के पिछले अंग भीतरी भाग में पड़ते थे। और हौदे की मोटाई 4 भर की थी और उसका मोहड़ा कटोरे के मोहड़े की नाई सोसने के फूलों के काम से बना था और उसमें 3000 बत भरकर समाता था। फिर उसने धोने के लिए 10 हौदी बनवाकर 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर रख दी। उनमें होमबलि की वस्तुएं धोई जाती थी परंतु याजकों के धोने के लिए बड़ा हौदा था। फिर उसने सोने की 10 दीवट विधि के अनुसार बनवाई और 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी। फिर उसने 10 मेज बनवाकर 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी। और उसने सोने के 100 कटोरे बनवाए। फिर उसने याजकों के आंगन और बड़े आंगन को बनवाया और इस आंगन में फाटक बनवाकर उनके किवाड़ों पर पीतल मढ़वाया। और उसने हौद को भवन की दाहिनी और अर्थात पूर्व और दक्षिण के कोने की ओर रखवा दिया। और हुराम ने हंडों, फावड़ियों और कटोरों को बनवाया। और हुराम ने राजा सुलेमान के लिए परमेश्वर के भवन में जो काम करता था उसे निपटा दिया, अर्थात
दो खम्भे और गोलों समेत वे कंगनियां जो खम्भों के सिरों पर थी और खम्भों के सिरों पर के गोलों को ढांपने के लिए जालियों की दो दो पांति और दोनों जालियों के लिए 400 अनार और जो गोले खम्भों के सिरों पर थे उनको ढांपने वाली एक एक जाली के लिए अनारों की दो दो पांति बनाई। फिर उसने कुर्सियां और कुर्सियों पर की हौदिया और उनके नीचे के 12 बैल बनवाए। फिर हुराम अबी ने हंडो फावड़ियों कांटों और उनके सब सामान को यहोवा के भवन के लिए राजा सुलेमान की आज्ञा से झलकाए हुए पीतल के बनवाए। राजा ने उसको यर्दन की तराई में अर्थात सुक्कोत और सरेदा के बीच की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में ढलवाया। सुलेमान ने ये सब पात्र बहुत बनवाए, यहां तक कि पीतल के तौल का हिसाब न था। और सुलेमान ने परमेश्वर के भवन के सब पात्र, सोने की वेदी और वे मेज जिन पर भेंट की रोटी रखी जाती थी और दीपकों समेत चोखे सोने की दीवटे जो विधि के अनुसार भीतरी कोठरी के सामने जला करती थी और सोने बरन नीरे सोने के फूल दीपक और चिमटे और चोखे सोने की कैचिया कटोरे धूपदान और करछे बनवाए। फिर भवन के द्वार और परम पवित्र स्थान के भीतरी किवाड़ और भवन अर्थात मंदिर के किवाड़ सोने के बने। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 5। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 5। इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो जो काम बनवाया वह सब निपट गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रखवा दिया। मंदिर की प्रतिष्ठा। तब सुलेमान ने इसराइल के पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इसराइलियों के पितरों के घरानों के प्रधान थे उनको भी यरूशलेम में इस मनसा से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में अर्थात सियोन से ऊपर लिवा ले आए। सब इसराइली पुरुष सातवें महीने के पर्व के समय राजा के पास इकट्ठे हुए। जब इसराइल के सब पुरनिये आए तब लेवियों ने संदूक को उठा लिया और लेवीय याजक संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सबों को ऊपर ले गए और राजा सुलेमान और सब इसराइली मंडली के लोग जो उसके पास इकट्ठे हुए थे उन्होंने संदूक के सामने इतनी भेड़ और बैल बलि किए जिनकी गिनती और हिसाब बहुतायत के कारण न हो सकता था। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान में अर्थात भवन की भीतरी कोठरी में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंखों के तले रख दिया। संदूक के स्थान के ऊपर करूब तो पंख फैलाए हुए थे जिससे वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढापे थे। डंडे तो इतने लंबे थे कि उनके सिरे संदूक से निकले हुए भीतरी कोठरी के सामने देख पड़ते थे परंतु बाहर से वे दिखाई न पड़ते थे। वे आज के दिन तक वही है। संदूक के पत्थर की उन दो पटियाओं को छोड़ कुछ न था जिन्हें मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखा जब यहोवा ने इसराइलियों के मिस्र से निकलने के बाद उसके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से निकले जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने तो अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे और जितने लेवीय गवैये थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाप हेमान और यदुतून सन के वस्त्र पहने झांझ सारंगिया और विनाय लिए हुए वेदी के पूर्व अलंग में खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरहिया बजा रहे थे। तो जब तुरहिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहिया झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति उच्च शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल
करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय छः। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय छः। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा, परंतु मैंने तेरे लिए एक वास स्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युग युग रहे। और राजा ने इसराइल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया, और इसराइल की पूरी सभा खड़ी रही, और उसने कहा, धन्य है इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथों से इसे पूरा किया है, कि जिस दिन से मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया तब से मैंने न तो इसराइल के किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, और न कोई मनुष्य चुना कि वह मेरी प्रजा इसराइल पर प्रधान हो, परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहां हो, और दाऊद को चुन लिया है कि वह मेरी प्रजा इसराइल पर प्रधान हो। मेरे पिता दाऊद की यह मनसा थी कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो मनसा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए, ऐसी मनसा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को बनाने न पाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। यह वचन जो यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया है, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इसराइल की गद्दी पर विराजमान हूँ, और इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया है, और इसमें मैंने उस संदूक को रखा है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने इसराइलियों से बांधी थी। तब वह इसराइल की सारी सभा के देखते हुए यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने पांच हाथ लंबी, पांच हाथ चौड़ी और तीन हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इसराइल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, हे यहोवा, हे इसराइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से उसको हमारी आंखों के सामने पूरा भी किया है। इसलिए अब हे इसराइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, कि तेरे कुल में मेरे सामने इसराइल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। यह हो कि जैसे तू अपने को मेरे सन्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी चौकसी करे कि मेरी व्यवस्था पर चले। अब हे इसराइल के परमेश्वर यहोवा, जो वचन तूने अपने दास दाऊद को दिया था वह सच्चा किया जाए। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू क्यों कर समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे, और मेरी पुकार और यह प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। वह यह है कि तेरे आंखें इस भवन की ओर अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले, और अपने दास और अपनी प्रजा इसराइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ाकर करे उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे उसको शपथ खिलाई जाए
और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनना और मानना और अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को बदला देना और उसकी चाल उसी के सिर लौटा देना, और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर यदि तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट करे, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तूने उनको और उनके पुरखाओं को दिया है। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करे और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पापों से फिरे, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा देना। जब इस देश में काल व मरी व झुलस हो व गेरुई व टिड्डिया व कीड़े लगे व उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखे व कोई विपत्ति व रोग हो, तब यदि कोई मनुष्य व तेरी सारी प्रजा इस्राएल जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जानकर उसकी चाल के अनुसार उसे फल देना। तू ही तो आदमियों के मन का जानने वाला है कि वे जितने दिन इस देश में रहे जिसे तूने उनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते हुए तेरे मार्गों पर चलते रहे। फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इस्राएल का न हो, जब वह तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के कारण दूर देश से आए और आकर इस भवन की ओर मुंह किए हुए प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुने और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उनके अनुसार करना, जिसके पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल की नाई तेरा भय माने और निश्चय करे कि यह भवन जो मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तू उन्हें भेजे वहां अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाए और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन्हें बंधुआ करके किसी देश को चाहे वह दूर हो चाहे निकट ले जाए, तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करे और फिरकर अपनी बंधुआई करने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ाहट करे कि हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, सो यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहां वे उन्हें बंधुआ करके ले गए हो अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरे और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करे उन्हें क्षमा करना। और हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी और अपनी आंखें खोले रह और अपने कान लगाए रख। अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ्य के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे। हे यहोवा परमेश्वर,
अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी न कर, तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय सात। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय सात। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होमबलियों तथा और बलियों को भस्म किया, और यहोवा का तेज भवन में भर गया, और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। और जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया, और यो कहकर यहोवा का धन्यवाद किया कि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ाया, और राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 120,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। यो पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की, और याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे, और लेवीय भी यहोवा के गीत के गाने के लिए बाजे लिए हुए खड़े थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी। और इनके सामने याजक लोग तुरहिया बजाते रहे और सब इस्राएली खड़े रहे। फिर सुलेमान ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के बीच एक स्थान पवित्र करके होमबलि और मेलबलियों की चर्बी वही चढ़ाई, क्योंकि सुलेमान की बनाई हुई पीतल की वेदी होमबलि और अन्नबलि और चर्बी के लिए छोटी थी। उसी समय सुलेमान ने और उसके संग हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सारे इस्राएल की एक बहुत बड़ी सभा ने 7 दिन तक पर्व को माना, और 8वें दिन को उन्होंने महासभा की। उन्होंने वेदी की प्रतिष्ठा 7 दिन की और पर्व को भी 7 दिन माना। निदान 7वें महीने के 23वें दिन को उसने प्रजा के लोगों को विदा किया कि वे अपने अपने डेरे को जाए, और वे उस भलाई के कारण जो यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और अपनी प्रजा इस्राएल पर की थी आनंदित थे। यो सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, वा टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वा अपनी प्रजा में मरी फैलाओ, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को जो कत्यो कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, और अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगी। और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई अपने को मेरे सन्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इस्राएल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी है त्यागो और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करो, तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा, और ऐसा करूंगा कि देश देश के लोगों के बीच उसकी उपमा और नामधराई चलेगी। और यह भवन जो इतना विशाल है, उसके पास से आने जाने वाले चकित होकर पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश और इस भवन से ऐसा क्यों किया है। तब लोग कहेंगे
कि उन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को जो उनको मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराए देवताओं को ग्रहण किया और उन्हें दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण उसने यह सब विपत्ति उन पर डाली है। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय आठ। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय आठ। सुलेमान का चरित्र। सुलेमान को यहोवा के भवन और अपने भवन के बनाने में 20 वर्ष लगे। तब जो नगर हुराम ने सुलेमान को दिए थे उन्हें सुलेमान ने दृढ़ करके उनमें इसराइलियों को बसाया। तब सुलेमान सोबा के हमात को जाकर उस पर जयवंत हुआ और उसने तदमोर को जो जंगल में है और हमात के सब भंडार नगरों को दृढ़ किया। फिर उसने ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों बेथोरोन को शहरपनाह और फाटकों और बेड़ों से दृढ़ किया और उसने बालात को और सुलेमान के जितने भंडार नगर थे और उसके रथों और सवारों के जितने नगर थे उनको और जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देश में बनाना चाहा, उन सबको बनाया। हित्तियों, एमोरियो, परिज्यो, हिव्वियों और यबूसियों के बचे हुए लोग जो इस्राएल के न थे उनके वंश जो उनके बाद देश में रह गए थे और जिनका इस्राएलियों ने अंत न किया था उनमें से तो कितनों को सुलेमान ने बेगार में रखा और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इस्राएलियों में से सुलेमान ने अपने काम के लिए किसी को दास न बनाया। ये तो योद्धा और उसके हाकिम, उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए और सुलेमान के सरदारों के प्रधान जो प्रजा के लोगों पर प्रभुता करने वाले थे वे 250 थे। फिर सुलेमान फिरौन की बेटी को दाऊदपुर में से उस भवन में ले आया जो उसने उनके लिए बनाया था, क्योंकि उसने कहा कि जिस जिस स्थान में यहोवा का संदूक आया है वे पवित्र है, इसलिए मेरी रानी इस्राएल के राजा दाऊद के भवन में न रहने पाएगी। तब सुलेमान ने यहोवा की उस वेदी पर जो उसने ओसारे के आगे बनाई थी यहोवा को होमबलि चढ़ाई। वह मूसा की आज्ञा के और दिन दिन के प्रयोजन के अनुसार अर्थात विश्राम दिन और नए चांद और प्रतिवर्ष तीन बार ठहराए हुए पर्वों अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और अठवारों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व में बलि चढ़ाया करता था। और उसने अपने पिता दाऊद के नियम के अनुसार याजकों की सेवकाई के लिए उनके दल ठहराए और लेवियों को उनके कामों पर ठहराया कि हर एक दिन के प्रयोजन के अनुसार वे यहोवा की स्तुति और याजकों के सामने सेवा टहल किया करें और एक एक फाटक के पास द्वारपाल को दल दल करके ठहरा दिया, क्योंकि परमेश्वर के भक्त दाऊद ने ऐसी आज्ञा दी थी। और राजा ने भंडारों या किसी और बात में याजकों और लेवियों के लिए जो जो आज्ञा दी थी उनको न टाला। और सुलेमान का सब काम जो उसने यहोवा के भवन की नींव डालने से लेकर उसे पूरा करने तक किया वह ठीक हुआ। निदान यहोवा का भवन पूरा हुआ। तब सुलेमान एस्योन गेबेर और एलोत को गया जो एदोम के देश में समुद्र के तीर पर है, और हुराम ने उसके पास अपने जहाजियों के द्वारा जहाज और समुद्र के जानकार मल्लाह भेज दिए और उन्होंने सुलेमान के जहाजियों के संग ओपीर को जाकर वहां से 450 किक्कर सोना राजा सुलेमान को ला दिया। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय नौ। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय नौ। शिबा की रानी का सुलेमान का दर्शन करना। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मनी से लदे ऊंट साथ लिए हुए आई और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर न थी कि वह उसे न बता सके। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा
और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसे कपड़े पहने हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। जब उसने यह सब देखा तब वह चकित हो गई। तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वह सच्ची है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उसकी प्रतीति न की, परंतु तेरी बुद्धि की आधी बढ़ाई भी मुझे न बताई गई थी। तू उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सन्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इसराइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, इसी कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया। और उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मनी दिए, जैसे सुगंध द्रव्य शिबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिए वैसे देखने में नहीं आए। फिर हुराम और सुलेमान दोनों के जहाजी जो ओपिर से सोना लाते थे वे चंदन की लकड़ी और मनी भी लाते थे, और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए चबूतरे और गवये के लिए विनाय और सारंगिया बनवाई। ऐसी वस्तुएं उससे पहले यहूदा देश में न देख पड़ी थी। और शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया। यह उससे अधिक था जो वह राजा के पास ले आई थी। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। सुलेमान का महात्म्य और मृत्यु। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था उसका तौल 666 किक्कार था। यह उससे अधिक था जो सौदागर और व्यापारी लाते थे, और अरब देश के सब राजा और देश के अधिपति भी सुलेमान के पास सोना चांदी लाते थे। और राजा सुलेमान ने सोना गढ़ाकर 200 बड़ी बड़ी ढाले बनवाई। एक एक ढाल में 600 शेकेल गढ़ा हुआ सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़ाकर 300 छोटी ढाले और भी बनवाई। एक एक छोटी ढाल में 300 शेकेल सोना लगा। और राजा ने उनको लबानोनी बन नाम भवन में रख दिया। और राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन बनवाया और चोखे सोने से मढ़ाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां और सोने का एक पायदान था। ये सब सिंहासन से जुड़े हुए थे और बैठने के स्थान की दोनों अलंग टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। और 6 सीढ़ियों की दोनों अलंग में एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। वे सब 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी न बना। और राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के थे। और लबानोनी बन नामक भवन के सब पात्र की चोखे सोने के थे। सुलेमान के दिनों में चांदी का कुछ हिसाब न था, क्योंकि हुराम के जहाजियों के संग राजा के तर्शीश को जाने वाले जहाज थे। और तीन वर्ष के बाद वे तर्शीश के जहाज सोना चांदी हाथी दांत बंदर और मोर ले आते थे। यो राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। और पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी उसका दर्शन करना चाहते थे। और वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। और अपने घोड़ों और रथों के लिए सुलेमान के 4000 थान और 12000 सवार भी थे, जिनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और वह महानद से ले पलिश्तियों के देश और मिस्र के सिवान तक के सब राजाओं पर प्रभुता करता था। और
राजा ने ऐसा किया कि बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य पत्थरों का और देवदार का मूल्य नीचे के देश के गुल्लरों का सा हो गया और लोग मिस्र से और सब देशों से सुलेमान के लिए घोड़े लाते थे। आदि से अंत तक सुलेमान के और सब काम क्या नाथान नबी की पुस्तक में और शिलोवासी अहिया की नबूवत की पुस्तक में और नबात के पुत्र यारोबाम के विषय इद्दोदर्शी के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? सुलेमान ने यरूशलेम में सारे इसराइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहुबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 10। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 10। इसराइल के राज्य का दो भाग हो जाना। रहुबियाम शेकेम को गया क्योंकि सारे इसराइली उसको राजा बनाने के लिए वही गए थे और नबात के पुत्र यारोबाम ने यह सुना। वह तो मिस्र में रहता था जहां वह सुलेमान राजा के डर के मारे भाग गया था और यारोबाम मिस्र में लौट आया। तब उन्होंने उसको बुलवा भेजा और यारोबाम और सब इसराइली आकर रहुबियाम से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तो अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने उनसे कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना। सो वे चले गए। तब राजा रहुबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे यह कहकर सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो। उन्होंने उसको यह उत्तर दिया कि यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। परंतु उसने उस सम्मति को जो बूढ़ों ने उसको दी थी छोड़ दिया और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सन्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो। उन्होंने तो मुझसे कहा है कि जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया कि उन लोगों ने तुझसे कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यो कहना कि मेरी अंगुलियां मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेगी। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोढ़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यारोबाम और सारी प्रजा रहुबियाम के पास उपस्थित हुई। तब राजा ने उससे कड़ी बातें की और रहुबियाम राजा ने बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था, परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। मेरे पिता ने तो तुमको कोढ़ों से ताड़ना दी, परंतु मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की विनती न मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शिलोवासी अहिया के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम से कहा था उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया था। जब सब इसराइली ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश, हमारा तो ईशे के पुत्र में कोई भाग नहीं है। हे इसराइलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ, अब हे दाऊद अपने ही घराने की चिंता कर। तब सब इसराइली अपने डेरे को चले गए, केवल जितने इसराइली यहूदा के राज्यों में बसे हुए थे उन्हीं पर रहुबियाम राज्य करता रहा। तब राजा रहुबियाम ने हदोराम को जो सब बेगारों पर अधिकारी था भेज दिया और इसराइलियों ने उसको पत्थरवाह किया और वह मर गया। तब रहुबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। यो इसराइल
दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 10। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 10। इसराइल के राज्य का दो भाग हो जाना। रहुबियाम शेकेम को गया क्योंकि सारे इसराइली उसको राजा बनाने के लिए वही गए थे। और नबात के पुत्र यारोबाम ने यह सुना। वह तो मिस्र में रहता था जहां वह सुलेमान राजा के डर के मारे भाग गया था, और यारोबाम मिस्र में लौट आया। तब उन्होंने उसको बुलवा भेजा, और यारोबाम और सब इसराइली आकर रहुबियाम से कहने लगे, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तो अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिसे उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने उनसे कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना। सो वे चले गए। तब राजा रहुबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे यह कहकर सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो। उन्होंने उसको यह उत्तर दिया कि यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। परंतु उसने उस सम्मति को जो बूढ़ों ने उसको दी थी छोड़ दिया और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सन्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो। उन्होंने तो मुझसे कहा है कि जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया कि उन लोगों ने तुझसे कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यो कहना कि मेरी अंगुलियां मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेगी। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोढ़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यारोबाम और सारी प्रजा रहुबियाम के पास उपस्थित हुई। तब राजा ने उससे कड़ी बातें की और रहुबियाम राजा ने बूढ़ों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया था, परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। मेरे पिता ने तो तुमको कोड़ों से ताड़ना दी, परंतु मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की विनती न मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने शिलोवासी अहिया के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम से कहा था उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ही ठहराया था। जब सब इसराइलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले कि दाऊद के साथ हमारा क्या अंश, हमारा तो ईशे के पुत्र में कोई भाग नहीं है। हे इसराइलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ, अब हे दाऊद अपने ही घराने की चिंता कर। तब सब इसराइली अपने डेरे को चले गए, केवल जितने इसराइली यहूदा के राज्यों में बसे हुए थे उन्हीं पर रहुबियाम राज्य करता रहा। तब राजा रहुबियाम ने हदोराम को जो सब बेगारों पर अधिकारी था भेज दिया, और इसराइलियों ने उसको पत्थरवाह किया और वह मर गया। तब रहुबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। यो इसराइल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 11। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 11। रहुबियाम का राज्य। जब रहुबियाम यरूशलेम को आया तब उसने यहूदा और बिन्यामिन के घराने को जो मिलकर 180,000 अच्छे योद्धा थे इकट्ठा किया कि इसराइल के साथ युद्ध करे जिससे राज्य रहुबियाम के वश में फिर आ जाए। तब यहोवा का यह वचन परमेश्वर के भक्त शमायाह के पास पहुंचा कि यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहुबियाम से और यहूदा और बिन्यामिन के सब इसराइलियों से कह, यहोवा यो कहता है
कि अपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध न करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा के ये वचन मानकर वे यारोबाम पर बिना चढ़ाई किए लौट गए। सो रहुबियाम यरूशलेम में रहने लगा और यहूदा में बचाव के लिए ये नगर दृढ़ किए, अर्थात बेथलहम, एताम, तको, बेतसुर, सोके, अदुल्लाम, गत, मारेशा, जीप, अदोरेम, लाकिश, अजेका, सोरा, अयालोन और हेब्रोन, जो यहूदा और बिन्यामिन में है, दृढ़ किया। और उसने दृढ़ नगरों को और भी दृढ़ करके उनमें प्रधान ठहराए और भोजन वस्तु और तेल और दाख मधु के भंडार रखवा दिए। फिर एक एक नगर में उसने ढाले और भाले रखवाकर उनको अत्यंत दृढ़ किया। यहूदा और बिन्यामिन तो उसके थे, और सारे इसराइल के याजक और लेवीय भी अपने सब देश से उठकर उसके पास गए। यो लेवीय अपनी चराइयों और निज भूमि छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आ गए, क्योंकि यारोबाम और उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया था कि वे यहोवा के लिए याजक का काम न करें। और उसने ऊंचे स्थानों और बकरों और अपने अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए अपनी ओर से याजक ठहरा लिए। और लेवियों के बाद इसराइल के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा के खोजी थे, वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाने के लिए यरूशलेम को आए, और उन्होंने यहूदा का राज्य स्थिर किया और सुलेमान के पुत्र रहुबियाम को 30 वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि 3 वर्ष तक वे दाऊद और सुलेमान की लीक पर चलते रहे। और रहुबियाम ने एक स्त्री को ब्याह लिया, अर्थात महलत को, जिसका पिता दाऊद का पुत्र यरीमोत और माता ईशे के पुत्र एलियाब की बेटी अबीहेल थी, और उसने यूश, शमरियाह और जाहम नाम पुत्र उत्पन्न हुए। और उसके बाद उसने अबशालोम की नतीनी माका को ब्याह लिया, और उससे अबियाह, अत्ते, जीजा और शमोमित उत्पन्न हुए। रहुबियाम ने 18 रानियां ब्याह ली और 8 रखेलियां रखी, और उसके 28 बेटे और 60 बेटियां उत्पन्न हुई। अबशालोम की नतीनी माका से वह अपनी सब रानियों और रखेलियों से अधिक प्रेम करता था। सो रहुबियाम ने माका के बेटे अबियाह को मुख्य और सब भाइयों में प्रधान इस मनसा से ठहरा दिया कि उसे राजा बनाए, और वह समझबूझकर काम करता था। और उसने अपने सब पुत्रों को अलग अलग करके यहूदा और बिन्यामिन के सब देशों के सब गढ़वाले नगरों में ठहरा दिया, और उन्हें भोजन वस्तु बहुतायत से दे दी, और उनके लिए बहुत सी स्त्रियां ढूंढी। इतिहास की पुस्तक 2:12। इतिहास की पुस्तक 2:12। परंतु जब रहुबियाम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रहुबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की, और जो लोग उसके संग मिस्र से आए, अर्थात लुबी, सुक्की, कूशी, ये अनगिनत थे, और उसने यहूदा के गढ़वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आया। तब शमायाह नबी रहुबियाम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यो कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। तब इसराइल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहने लगे, यहोवा धर्मी है। जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का यह वचन शमायाह के पास पहुंचा कि वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट न करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा, और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर न भड़केगी। तो भी
वे उसके अधीन तो रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश देश के राजाओं की भी सेवा जान ले। तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। वह सब कुछ उठा ले गया और सोने की जो फर्शियां सुलेमान ने बनाई थी उनको भी वह ले गया। तब राजा रहुबियाम ने उनके बदले पीतल की ढाले बनवाई और उन्हें पहरों के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता, तब तब पहरुए आकर उन्हें उठा ले चलते और फिर पहरुओं की कोठरी में लौटाकर रख देते थे। जब रहुबियाम दिन हुआ, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया और उसने उसका पूरा विनाश न किया, और यहूदा में अच्छे गुण भी थे। सो राजा रहुबियाम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज्य करता रहा। जब रहुबियाम राज्य करने लगा, तब 41 वर्ष की आयु का था और यरूशलेम में, अर्थात उस नगर में जिसे यहोवा ने अपना नाम बनाए रखने के लिए इस्राएल के सारे गोत्र में से चुन लिया था, 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नामा था, जो अम्मोनी स्त्री थी। उसने वह कर्म किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया। आदि से अंत तक रहुबियाम के काम क्या शमायाह नबी और इद्दोदर्शी की पुस्तकों में वंशावलियों की रीति पर नहीं लिखे गए हैं? रहुबियाम और यारोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही, और रहुबियाम अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अबियाह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 13। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 13। अबियाह का राज्य। यारोबाम के 18वें वर्ष में अबियाह यहूदा पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम मिकायाह था, जो गिबावासी उरियल की बेटी थी। और अबियाह और यारोबाम के बीच में लड़ाई हुई। अबियाह ने तो बड़े योद्धाओं का दल, अर्थात 400,000 छटे हुए पुरुष लेकर लड़ने के लिए पांति बंधाई, और यारोबाम ने 800,000 छटे हुए पुरुष, जो बड़े शूरवीर थे, लेकर उसके विरुद्ध पांति बंधाई। तब अबियाह समारेम नाम पहाड़ पर, जो एप्रेम के पहाड़ी देश में है, खड़ा होकर कहने लगा, हे यारोबाम, हे सब इसराइलियों, सुनो, क्या तुमको न जानना चाहिए कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने लोन वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इसराइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है? तो भी नबात का पुत्र यारोबाम, जो दाऊद के पुत्र सुलेमान का कर्मचारी था, वह अपने स्वामी के विरुद्ध उठा है और उसके पास हल्के और ओछे मनुष्य इकट्ठा हो गए हैं। और जब सुलेमान का पुत्र रहुबियाम लड़का और अल्हड़ मन का था और उसका सामना न कर सकता था, तब वे उसके विरुद्ध सामर्थी हो गए। और अब तुम सोचते हो कि हम यहोवा के राज्य का सामना करेंगे, जो दाऊद की संतान के हाथ में है, क्योंकि तुम सब मिलकर बड़ा समाज बन गए हो और तुम्हारे पास वे सोने के बछड़े भी है, जिन्हें यारोबाम ने तुम्हारे देवता होने के लिए बनवाया। क्या तुमने यहोवा के याजकों को, अर्थात हारून की संतान और लेवियों को निकालकर देश देश के लोगों की नाई याजक नियुक्त नहीं कर लिए? जो कोई एक बछड़ा और 7 मेंढे अपना संस्कार कराने को ले आता तो उनका याजक हो जाता है, जो ईश्वर नहीं है, परंतु हम लोगों का परमेश्वर यहोवा है, और हमने उसको नहीं त्यागा। और हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करने वाले याजक हारून की संतान और अपने अपने काम में लगे हुए लेवीय हैं, और वे नित्य सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होम बलि और सुगंध द्रव्य का धूप जलाते हैं और शुद्ध मेज पर भेंट की रोटी सजाते और सोने की दीवट और उसके दीपक सांझ सांझ को जलाते हैं। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहते हैं, परंतु तुमने
उसको त्याग दिया है और देखो हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर फूकने को तुरहिया लिए हुए भी हमारे साथ है। हे इसराइलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम कृतार्थ न होगे। परंतु यारोबाम ने घातक को उनके पीछे भेज दिया। वे तो यहूदा के सामने थे और घातक उनके पीछे थे, और जब यहूदियों ने पीछे को मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है, तब उन्होंने यहोवा की दोहाई दी और याजक तुरहियों को फूकने लगे। तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया तब परमेश्वर ने अबियाह और यहूदा के सामने यारोबाम और सारे इसराइलियों को मारा, और इसराइली यहूदा के सामने से भागे, और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया, और अबियाह और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़े मार से मारा, यहां तक कि इसराइल में से 500,000 छठे हुए पुरुष मारे गए। उस समय तो इसराइली दब गए, और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। तब अबियाह ने यारोबाम का पीछा करके उससे बेतेल, यशाना और एप्रोन नगरों और उनके गांवों को ले लिया, और अबियाह के जीवन भर यारोबाम फिर सामर्थी न हुआ। निदान यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया, परंतु अबियाह और भी सामर्थी हो गया और 14 स्त्रियां ब्याह ली, जिनसे 22 बेटे और 16 बेटियां उत्पन्न हुई। और अबियाह के काम और उसकी चाल चलन और उसके वचन इद्दो नबी की कथा में लिखे हैं। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 14। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 14। आशा का राज्य। निदान अबियाह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा, और आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने तो पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया, और लाठों को तुड़वा डाला, और अशेरा नाम मूर्तों को तोड़ डाला, और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को मान ले। और उसने उच्च स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया, और उसके सामने राज्य में चैन रहा, और उसने यहूदा में गढ़वाले नगर बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा, और उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं, और उनके चारों ओर शहरपनाह, गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और कृतार्थ किया। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 300,000 पुरुष और बिन्यामिनी में से फरी रखने वाले और धनुर्धारी 280,000, ये सब शूरवीर थे, और उनके विरुद्ध 1,000,000 पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नाम एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। तब आसा उसका सामना करने को चला, और मारेशा के निकट साप्ता नाम तराई में युद्ध की पांति बांधी गई। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दोहाई दी कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है, और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तब यहोवा ने कुशियों को आसा
और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए और आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कुशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सा लूट ले गए और उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। फिर पशुशालाओं को जीतकर बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट लूटकर यरूशलेम को लौटे। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 15। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 15। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरियाह में समा गया और आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामिनी, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा तब तब वह उनको मिला। उस समय न तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और न आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल था और जाति जाति से और नगर नगर से चूर किए जाते थे क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबूवत सुनी तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बिन्यामिन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उसने एप्रेता के पहाड़ी में ले लिए थे सब घिनौनी वस्तुएं दूर की और यहोवा की जो वेदी यहोवा के ओसारे के सामने थी उसको नए सिरे से बनाया और उसने सारे यहूदा और बिन्यामिन को और एप्रेम मनश्शे और शिमोन में से जो लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया क्योंकि वे यह देखकर कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता है इस्राएल में से उसके पास बहुत से चले आए थे। आसा के राज्य के 15वें वर्ष के तीसरे महीने में वे यरूशलेम में इकट्ठे हुए और उसी समय उन्होंने उस लूट में से जो वे ले आए थे 700 बैल और 7000 भेड़ बकरियां यहोवा को बलि करके चढ़ाई और उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे और क्या बड़ा क्या छोटा क्या स्त्री क्या पुरुष जो कोई इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वह मार डाला जाएगा। और उन्होंने जय जयकार के साथ तुरहिया और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई और यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। वरन आसा राजा की माता माका जिसने अशेरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया और आसा ने उसकी मूरत काटकर पीस डाली और किद्रोन नाले में फूंक दी। ऊंचे स्थान तो इसराइलियों में से न ढाए गए तो भी आसा का मन जीवन भर निष्कपट रहा और उसने जो सोना चांदी और पात्र उसके पिता ने अर्पण किए थे और जो उसने आप अर्पण किए थे उनको परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया और आसा के राज्य के 35वें वर्ष तक फिर लड़ाई न हुई। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 16। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 16।
आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इसराइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने न पाए। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्कवासी अराम के राजा बेंदत के पास दूत भेजकर यह कहा कि जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बंधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूं, इसलिए आ, इस्राएल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे ताकि वह मुझसे दूर हो। बेंदद ने राजा आसा की यह बात मानकर अपने दलों के प्रधानों से इस्राएली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इयोन, दान, अल्बेमैम और नप्ताली के सब भंडार वाले नगरों को जीत लिया। यह सुनकर बाशा ने रामा का दृढ़ करना छोड़ दिया और अपना वह काम बंद कर दिया। तब राजा आसा ने पूरे यहूदा देश को साथ लिया और रामा के पत्थरों और लकड़ी को जिनसे बाशा काम करता था उठा ले गया और उससे उसने गेवा और मिस्पा को दृढ़ किया। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कुशियों और लुबियों की सेना बड़ी न थी और क्या उसमें बहुत ही रथ और सवार न थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठोकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। और उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों को पीसने भी लगा। आदि से लेकर अंत तक आसा के काम यहूदा और इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं। अपने राज्य के 29वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की ही शरण ली। निदान आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। तब उसको उसी की कब्र में जो उसने दाऊदपुर में खुदवा ली थी मिट्टी दी गई और वह सुगंध द्रव्यों और गंधी के काम के भांति भांति के मसालों से भरे हुए एक बिछौने पर लिटा दिया गया और बहुत सा सुगंध द्रव्य उसके लिए जलाया गया। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 17। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 17। यहोशापात का राज्य और उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और इसराइल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया और उसने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एप्रेम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बैठा दी और यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि वह अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल सी चाल चला और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसकी आज्ञाओं पर चलता था और इस्राएल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ कर दिया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन और उसका विभव बढ़ गया और यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नाम मूर्तें दूर कर दी और उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में बेनहेल, ओबद्याह, जकरियाह, नतनेल और मिकायाह नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया और
उनके साथ शमायाह, नतन्याह, जबद्याह, असाहेल, शमीरामोत, यहोनातान, अदोनियाह, तोबियाह और तोबदोनियाह नाम लेविय और उनके संग एलिशामा और यहोराम नामक याजक थे। सो उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे और यहूदा के आसपास के देशों के राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया, वरन कितने पलिश्ती यहोशापात के पास भेंट और कर समझाकर चांदी लाए और अरबी लोग भी 7,700 मेंढे और 7,700 बकरे ले आए और यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा में किले और भंडारों के नगर तैयार किए और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात शूरवीर रहते थे और इनके पितरों के घरानों के अनुसार इनकी यह गिनती थी, अर्थात यहूदी सहस्त्रपति तो ये थे, प्रधान अदना जिसके साथ 300,000 शूरवीर थे और उसके बाद प्रधान योहानान जिसके साथ 280,000 पुरुष थे और इसके बाद जिक्री का पुत्र अमस्याह जिसने अपने को अपनी ही इच्छा से यहोवा को अर्पण किया था, उसके साथ 200,000 शूरवीर थे। फिर बिन्यामिन में से एल्यादा नामक एक शूरवीर जिसके साथ ढाल रखने वाले 200,000 धनुर्धारी थे और उसके नीचे यहोजाबाद जिसके साथ युद्ध के हथियार बांधे हुए 180,000 पुरुष थे। वे ये है जो राजा की सेवा में लवलीन थे और ये उनसे अलग थे जिन्हें राजा ने सारे यहूदा के गढ़वाले नगरों में ठहरा दिया था। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 18। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 18। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने अहाब के साथ संधियाना किया। कुछ वर्ष के बाद वह शुमरोन में अहाब के पास गया, तब अहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काटकर उसे गिलात के रामोत पर चढ़ाई करने को उसकाया और इसराइल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलात के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा भी मैं हूं और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है, हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। फिर यहोशापात ने इसराइल के राजा से कहा, आज यहोवा की आज्ञा ले। तब इसराइल के राजा ने नबियों को जो 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलात के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहां यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हां एक और पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं सदा हानि की ही नबुवत करता है, वह इमला का पुत्र मिकायाह है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। तब इसराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, इमला के पुत्र मिकायाह को फुर्ती से ले आ। इसराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। वे शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में बैठे थे और सब नबी उनके सामने नबूवत कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकियाह ने लोहे के सिंह बनवाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि इनसे तू अरामियों को मारते मारते नाश कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय की नबूवत करके कहा, गिलात के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ होवे, क्योंकि
यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा। और जो दूत मिकायाह को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभवचन कहते हैं, सो तेरी बात उनकी ही सो, तू भी शुभवचन कहना। मिकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की सौ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं ही कहूंगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकायाह, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उसने कहा, हाँ तुम लोग चढ़ाई करो और कृतार्थ हो और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरवाकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच्ची कह? मिकायाह ने कहा, मुझे सारा इसराइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तीतर बीतर दिखाई पड़ा और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ है, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की नबूवत करेगा? मिकायाह ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इसराइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा, निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तब कनाना के पुत्र सिदकियाह ने निकट जा मिकायाह के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? उसने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब जान लेगा। इस पर इसराइल के राजा ने कहा, मिकायाह को नगर के हाकिम आमोन और राजकुमार योवाश के पास लौटाकर उनसे कहो, राजा यो कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो और जब तक मैं कुशल से न आओ तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तब मिकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगो तुम सब के सब सुन लो। तब इसराइल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की और इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध में जाऊंगा परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रह। इसराइल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। अराम के राजा ने तो अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी कि न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इसराइल के राजा से लड़ो। सो जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, इसराइल का राजा वही है और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा, तब यहोवा ने उसकी सहायता की और परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने की प्रेरणा दी। सो यह देखकर कि वह इसराइल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के लौट गए। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इसराइल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हुआ इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना में से बाहर ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और इसराइल का राजा अपने रथ में अरामियों के सन्मुख सांझ तक खड़ा रहा, परंतु सूर्यास्त होते होते वह मर गया। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 19। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 19। और यहूदा का राजा यहोशापात
यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नाम दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में से अश्शूरों को नाश किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। यहोशापात यरूशलेम में रहता था और उसने बेर्शेबा से लेकर एप्रेम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। फिर उसने यहूदा के एक एक गढ़वाले नगर में न्यायी ठहराया और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं है और न वह किसी का पक्ष करता और न घूस लेता है। और यरूशलेम में भी यहोशापात ने लेवियों और याजकों और इस्राएल के पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों को यहोवा की ओर से न्याय करने और मुकदमों को जांचने के लिए ठहराया और वे यरूशलेम को लौटे और उसने उनको आज्ञा दी कि यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। तुम्हारे भाई जो अपने अपने नगर में रहते हैं उनमें से जिसका कोई मुकदमा तुम्हारे सामने आए, चाहे वह खून का हो चाहे व्यवस्था का अथवा किसी आज्ञा या विधि व नियम के विषय हो, उनको चिता देना कि यहोवा के विषय दोषी न हो। ऐसा न हो कि तुम पर और तुम्हारे भाइयों पर उसका क्रोध भड़के। ऐसा करो तो तुम दोषी न ठहरोगे। और देखो, यहोवा के विषय के सब मुकदमों में तो अमर्याह महायाजक और राजा के विषय के सब मुकदमों में यहूदा के घराने का प्रधान इश्माएल का पुत्र जबद्याह तुम्हारे ऊपर अधिकारी है और लेवीय तुम्हारे सामने सरदारों का काम करेंगे। इसलिए हियाव बांधकर काम करो और भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 20। इसके बाद मुआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई और अम्मोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है और देख, वह हसासोन तामार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम वासियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनवाकर कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल व कोई और विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दोहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अम्मोनी और मोआबी
और सेर के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तूने इसराइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनको विनाश न किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है हमको निकालकर कैसा बदला दे रहे हैं। हे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से यहजीएल नाम एक लेवीय को, जो जोकरिया का पुत्र और बनायाह का पोता और मतन्याह के पुत्र ईएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया और कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। बिहान को वे सवेरे उठकर ताको के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता के शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेर के पहाड़ी के देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे के नाश करने में हाथ लगाया। सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोथे हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और लोथों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन वे बराका नाम तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा जो आज तक है। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। सो वे सारंगिया,
वीनाएं और तुरहिया बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। और जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इसराइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया और यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। यहोशापात ने यहूदा पर राज्य किया। जब वह राज्य करने लगा तब वह 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अजूबा था, जो शिल्ली की बेटी थी। और वह अपने पिता आसा की लीक पर चला और उसने उससे न मुड़ा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही किया और वह करता रहा। तो भी उच्च स्थान ढाए न गए, वरन अब तक प्रजा के लोगों ने अपना मन अपने पितरों के परमेश्वर की ओर न लगाया था। और आदि से अंत तक यहोशापात के और काम हनानी के पुत्र एहू के विषय उस वृत्तांत में लिखे हैं, जो इसराइल के राजाओं के वृत्तांत में पाया जाता है। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इसराइल का राजा अहजहा से, जो बड़ी दुष्टता करता था, मेल किया। अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए, और उन्होंने ऐसे जहाज एस्योन गेबेर में बनवाए। तब दोदावाह के पुत्र मारेशा बाशी एलियाजार ने यहोशापात के विरुद्ध यह नबुवत कही कि तूने जो अहजा से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। सो जहाज टूट गए और तर्शीश को न जा सके। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 21। यहोराम का राज्य। निदान यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके भाई जो यहोशापात के पुत्र थे ये थे, अर्थात अजरयाह, यहीएल, जकरयाह, अजरयाह, मिकाएल और शपत्याह। ये सब इसराइल के राजा यहोशापात के पुत्र थे, और उनके पिता ने उन्हें चांदी, सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े बड़े दान और यहूदा में गढ़वाले नगर दिए थे, परंतु यहोराम को उसने राज्य दिया, क्योंकि वह जेठा था। जब यहोराम अपने पिता के राज्य पर नियुक्त हुआ और बलवंत भी हो गया, तब उसने अब सब भाइयों को और इसराइल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। जब यहोराम राजा हुआ तब वह 32 वर्ष का था, और वह 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वह इसराइल के राजाओं की सी चाल चला, जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी अहाब की बेटी थी, और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तब भी यहोवा ने दाऊद के घराने को नाश करना न चाहा। यह उस वाचा के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी, और उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि मैं ऐसा करूंगा कि तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी न बुझेगा। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपने ऊपर एक राजा बना लिया। सो यहोराम अपने हाकिमों और अपने सब रथों को साथ लेकर उधर गया और रथों के प्रधानों को मारा। यो एदोम यहूदा के वश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उसी समय लिब्ना ने भी उसकी अधीनता छोड़ दी। यह इस कारण हुआ कि उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था, और उसने यहूदा के पहाड़ों पर उच्च स्थान बनाए और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया और यहूदा को बहका दिया। तब एलियाह नबी का एक पुत्र उनके पास आया कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तू जो न तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला है और न यहूदा के राजा आसा की लीक पर, वरन इसराइल के राजाओं की लीक पर चला है,
और अहाब के घराने की नाई यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया है और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो कुछ तुझसे अच्छे थे घात किया है। इस कारण यहोवा तेरी प्रजा पुत्रों स्त्रियों और सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा और तू अतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहां तक कि उस रोग के कारण तेरी अतड़िया प्रतिदिन निकलती जाएगी। और यहोवा ने पलिश्तियों को और कुशियों के पास रहने वाले अरबियों को यहोराम के विरुद्ध उभारा और वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली उस सबको और राजा के पुत्रों को और स्त्रियों को भी ले गए, यहां तक कि उसके लुटेरे बेटे यहोआहाज को छोड़ उसके पास कोई भी पुत्र न रहा। इन सब के बाद यहोवा ने उसे अतड़ियों के असाध्य रोग से पीड़ित कर दिया और कुछ समय के बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में उस रोग के कारण उसकी अतड़िया निकल पड़ी और वह अत्यंत पीड़ित होकर मर गया। और उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाओं के लिए सुगंध द्रव्य जलाया था वैसा उसके लिए कुछ न जलाया। जब वह राज्य करने लगा तब वह 32 वर्ष का था और यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज्य करता रहा और सबको अप्रिय होकर जाता रहा और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। इतिहास की पुस्तक 2:22 2:22 यहूदा में अहज्या का राज्य। तब यरूशलेम के निवासियों ने उसके लहूरे पुत्र अहज्या को उसके स्थान पर राजा बनाया, क्योंकि जो दल अरबियों के संग छावनी में आया था उसने उसके सब बड़े बेटों को घात किया था। सो यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह राजा हुआ। जब अहज्याह राजा हुआ तब वह 42 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज्य किया और उसकी माता का नाम अतल्याह था जो उम्री की पोती थी। वह अहाब के घराने की सी चाल चला क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी और वह अहाब के घराने की नाई वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी सम्मति देते थे जिससे उसका विनाश हुआ और वह उनकी सम्मति के अनुसार चलता था। और इस्राएल के राजा अहाब के पुत्र यहोराम के संग गिलात के रामोत में अराम के राजा हजायल से लड़ने को गया और अरामियों ने यहोराम को घायल किया। सो राजा यहोराम इसलिए लौट गया कि इज़राइल में उन घावों का इलाज कराए जो उसको अरामियों के हाथ से उस समय लगे थे जब वह हजायल के साथ लड़ रहा था। और अहाब का पुत्र यहोराम जो इज़राइल में रोगी था इस कारण से यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह उसको देखने गया और अहज्याह का विनाश यहोवा की ओर से हुआ क्योंकि वह यहोराम के पास गया था। और जब वह वहां पहुंचा तब यहोराम के संग निमशी के पुत्र येहू का सामना करने को निकला जिसका अभिषेक यहोवा ने इसलिए कराया था कि वह अहाब के घराने को नाश करे। और जब येहू अहाब के घराने को दंड दे रहा था तब उसको यहूदा के हाकिम और अहज्याह के भतीजे जो अहज्याह के टहलुए थे मिले और उसने उनको घात किया। तब उसने अहज्याह को ढूंढा, वह शोमरोन में छिपा था, सो लोगों ने उसको पकड़ लिया और येहू के पास पहुंचाकर उसको मार डाला। तब यह कहकर उसको मिट्टी दी कि यह यहोशापात का पोता है जो उसने पूरे मन से यहोवा की खोज करता था और अहज्याह के घराने में राज्य करने के योग्य कोई न रहा। योआश का राज्य। जब अहज्याह की माता अतल्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया तब
उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नाश किया, परंतु यहोशावत जो राजा की बेटी थी उसने अहज्या के पुत्र योवाश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच से चुराकर धाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया। इस प्रकार राजा यहोराम की बेटी यहोशावत जो यहोयादा याजक की स्त्री और अहज्या की बहन थी उसने योवाश को अतल्याह से ऐसा छिपा रखा कि वह उसे मार डालने न पाई और वह उसके पास परमेश्वर के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा। इतने दिनों तक अतल्याह देश पर राज्य करती रही। इतिहास की पुस्तक 2:23 इतिहास की पुस्तक 2:23 सातवें वर्ष में यहोयादा ने हिया बांधकर यरोहाम के पुत्र अजरियाह, योहानान के पुत्र इश्माएल, ओबेद के पुत्र अजरियाह, अदायाह के पुत्र मासियाह और जिक्री के पुत्र एलिशापात इन शतपतियों से वाचा बांधी। तब वे यहूदा में घूमकर यहूदा के सब नगरों में से लेवियों और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को इकट्ठा करके यरूशलेम को ले आए और उस सारी मंडली ने परमेश्वर के भवन में राजा के साथ वाचा बांधी। और यहोयादा ने उनसे कहा, सुनो, यह राजकुमार राज्य करेगा जैसा कि यहोवा ने दाऊद के वंश के विषय कहा है। तो तुम एक काम करो, अर्थात तुम याजकों और लेवियों की एक तिहाई लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हो वे द्वारपाली करें, और एक तिहाई लोग राजभवन में रहे और एक तिहाई लोग नेव के फाटक के पास रहे, और सब लोग यहोवा के भवन के आंगनों में रहे, परंतु याजकों और सेवा टहल करने वाले लेवियों को छोड़ और कोई यहोवा के भवन के भीतर आने न पाए। वे तो भीतर आए क्योंकि वे पवित्र हैं, परंतु सब लोग यहोवा के भवन की चौकसी करें। और लेवीय लोग अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा के चारों ओर रहे, और जो कोई भवन के भीतर घुसे वह मार डाला जाए, और तुम राजा के आते जाते उसके साथ रहना। यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार लेवियों और सब यहूदियों ने किया। उन्होंने विश्राम दिन को आने वाले और विश्राम दिन को जाने वाले दोनों दलों के अपने अपने जनों को अपने अपने साथ कर लिया, क्योंकि यहोयादा याजक ने किसी दल के लेवियों को विदा न किया था। तब यहोयादा याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बर्छे और भाले और ढाले जो परमेश्वर के भवन में थी दे दी। फिर उसने उन सब लोगों को अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसकी आड़ करके खड़ा कर दिया। तब उन्होंने राजकुमार को बाहर ला, उसके सिर पर मुकुट और साक्षीपत्र धरकर उसे राजा बनाया, और यहोयादा और उसके पुत्रों ने उसका अभिषेक किया, और लोग बोल उठे, राजा जीवित रहे। जब अतल्याह को उन लोगों का हल्ला जो दौड़ते और राजा को सराहते थे सुन पड़ा, तब वह लोगों के पास यहोवा के भवन में गई, और उसने क्या देखा कि राजा द्वार के निकट खंभे के पास खड़ा है, और राजा के पास प्रधान और तुरही बजाने वाले खड़े हैं, और सब लोग आनंद कर रहे हैं और तुरहिया बजा रहे हैं और गाने बजाने वाले बाजे बजाते और स्तुति करते हैं। तब अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर पुकारने लगी, राजद्रोह, राजद्रोह। तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को बाहर लाकर उनसे कहा कि उसे अपनी पांतियों के बीच से निकाल ले जाओ, और जो कोई उसके पीछे चले वह तलवार से मार डाला जाए। याजक ने कहा कि उसे यहोवा के भवन में न मार डालो। तब उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी, और वह राजभवन के घोड़ा फाटक के द्वार तक गई, और वहां उन्होंने उसको मार डाला। तब यहोयादा ने अपने और सारी प्रजा के और राजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया, और उसकी वेदियों और मूर्तों को टुकड़े टुकड़े किया,
और मत्तान नाम बाल के याजक को वेदियों के सामने ही घात किया। तब यहोयादा ने यहोवा के भवन की सेवा के लिए उन लेवीय याजकों को ठहरा दिया जिन्हें दाऊद ने यहोवा के भवन पर दलदल करके इसलिए ठहराया था कि जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही वे यहोवा को होम बलि चढ़ाया करें और दाऊद की चलाई हुई विधि के अनुसार आनंद करें और गाए। और उसने यहोवा के भवन के फाटकों पर द्वारपालों को इसलिए खड़ा किया कि जो किसी रीति से अशुद्ध हो वह भीतर जाने न पाए और वह शतपतियों और रईसों और प्रजा पर प्रभुता करने वालों और देश के सब लोगों को साथ करके राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया और ऊंचे फाटक से होकर राजभवन में आया और राजा को राजगद्दी पर बैठाया। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह तो तलवार से मार ही डाली गई थी। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 24। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 24। जब योआश राजा हुआ तब वह 7 वर्ष का था और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिव्या था जो बेरशेबा की थी। और जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। और यहोयादा ने उसके 2 ब्याह कराए और उससे बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इसके बाद योआश के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की मनसा उपजी। तब उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा करके कहा, प्रतिवर्ष यहूदा के नगरों में जा जाकर सब इसराइलियों से रुपए लिया करो जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो। देखो इस काम में फुर्ती करो। तो भी लेवियों ने कुछ फुर्ती न की। तब राजा ने यहोयादा महायाजक को बुलाकर पूछा, क्या कारण है कि तूने लेवियों को दृढ़ आज्ञा नहीं दी कि वे यहूदा और यरूशलेम से उस चंदे के रुपए ले आए जिसका नियम यहोवा के दास मूसा और इसराइल की मंडली ने साक्षी पत्र के तंबू के निमित्त चलाया था? उस दुष्ट स्त्री अतल्याह के बेटों ने तो परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुएं बाल देवताओं को दे दी थी। और राजा ने एक संदूक बनाने की आज्ञा दी और वह यहोवा के भवन के फाटक के पास रखा गया। तब यहूदा और यरूशलेम में यह प्रचार किया गया कि जिस चंदे का नियम परमेश्वर के दास मूसा ने जंगल में इसराइल में चलाया था उसके रुपए यहोवा के निमित्त ले आओ। तो सब हाकिम और प्रजा के सब लोग आनंदित हो रुपए लाकर जब तक चंदा पूरा न हुआ तब तक संदूक में डालते गए। और जब जब वह संदूक लेवियों के हाथ से राजा के प्रधानों के पास पहुंचाया जाता और यह जान पड़ता था कि उसमें रुपए बहुत है तब तब राजा के प्रधान और महायाजक का नाइब आकर संदूक को खाली करते और तब उसे फिर उसके स्थान पर रख देते थे। उन्होंने प्रतिदिन ऐसा किया और बहुत रुपए इकट्ठा किए। तब राजा और यहोयादा ने वह रुपए यहोवा के भवन में काम करने वालों को दे दिए और उन्होंने राजो और बढ़ईयों को यहोवा के भवन के सुधारने के लिए और लोहारों और ठेरों को यहोवा के भवन की मरम्मत के लिए मजदूरी पर रखा। और कारीगर काम करते गए और काम पूरा होता गया और उन्होंने परमेश्वर का भवन जैसा का तैसा बनाकर दृढ़ कर दिया। जब उन्होंने वह काम निपटा दिया तब वे शेष रुपए राजा और यहोयादा के पास ले गए और उनसे यहोवा के भवन के लिए पात्र बनाए गए, अर्थात सेवा टहल करने और होमबलि चढ़ाने के पात्र और धूपदान आदि सोने चांदी के पात्र। और जब तक यहोयादा जीवित रहा तब तक यहोवा के भवन में होमबलि नित्य चढ़ाए जाते थे। परंतु यहोयादा बूढ़ा हो गया और दीर्घायु होकर मर गया। जब वह मर गया तब 130 वर्ष का था और
दाऊदपुर में राजाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, क्योंकि उसने इसराइल में और परमेश्वर के और उसके भवन के विषय में भला किया था। यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की और राजा ने उनकी मानी। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। सो उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तो भी उसने उनके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाए, और इन्होंने उन्हें चिता दिया, परंतु उन्होंने कान न लगाया। और परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरियाह में समा गया, और वह उच्च स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, यहोवा यो कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम भाग्यवान नहीं हो सकते। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया है। तब लोगों ने उससे द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उसको पत्थरवाह किया। यो राजा योवाश ने वह प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उससे की थी उसके पुत्र को घात किया, और मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। नए वर्ष के लगते अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की, और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा में से सब हाकिमों को नाश किया और उनका सब धन लूटकर दमिश्क के राजा के पास भेजा। अरामियों की सेना थोड़े ही पुरुषों की तो आई थी, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था, और योआश को उन्होंने दंड दिया। और जब वे उसे बहुत ही रोगी छोड़ गए, तब उसके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्रों के खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके उसे उसके बिछौने पर ही ऐसा मारा कि वह मर गया, और उन्होंने उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। जिन्होंने उससे राजद्रोह की गोष्ठी की थी वे ये थे, अर्थात अम्मोनिन, शिमात का पुत्र जाबाद और शिमरित, मोआबिन का पुत्र यहोजाबाद, उसके बेटों के विषय और उसके विरुद्ध जो बड़े दंड की नबुवत हुई, उसके और परमेश्वर के भवन के बनने के विषय, ये सब बातें राजाओं के वृत्तांत की पुस्तक में लिखी है, और उसका पुत्र अमस्याह उसके स्थान पर राजा हुआ। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 25। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 25। अमस्याह का राज्य। जब अमस्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था, और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम यहोअद्दान था जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से न किया। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उसने उनके लड़के बालों को न मारा, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है कि पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया वो ही वह उस पाप के कारण मार डाला जाए। और अमस्याह ने यहूदा को वरन सारे यहूदियों को और बिन्यामिनियों को इकट्ठा करके उनको पितरों के घराने के अनुसार सहस्त्रपतियों और शतपतियों के अधिकार में ठहराया, और उनमें से जितनों की अवस्था 20 वर्ष की अथवा उससे अधिक थी उनकी गिनती करके 300,000 भाला चलाने वाले और ढाल उठाने वाले बड़े बड़े योद्धा पाए। फिर उसने 100,000 इसराइली शूरवीरों को भी 100 किक्कार चांदी देकर बुलवा रखा। परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इसराइल की सेना तेरे साथ जाने न पाए, क्योंकि यहोवा इसराइल अर्थात एप्रेम की कुल संतान के संग नहीं रहता। यदि
तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थ्य है। अमस्याह ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किक्कार चांदी मैं इस्राएली दल को दे चुका हूं उसके विषय क्या करूं? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। तब अमस्याह ने उन्हें अर्थात उस दल को जो एप्रेम की ओर से उसके पास आया था अलग कर दिया कि वे अपने स्थान को लौट जाए। तब उनका क्रोध यहूदियों पर बहुत भड़क उठा और वे अत्यंत क्रोधित होकर अपने स्थान को लौट गए, परंतु अमस्याह हियाव बांधकर अपने लोगों को ले चला और लोन की तराई में जाकर 10,000 सेईरियों को मार डाला और यहूदियों ने 10,000 को बंधुआ करके चट्टान की चोटी पर ले गए और चट्टान की चोटी पर से गिरा दिया, सो वे सब चूर चूर हो गए। परंतु उस दल के पुरुष जिसे अमस्याह ने लौटा दिया कि वे उसके साथ युद्ध करने को न जाए, शोमरोन में बेथोरोन तक यहूदा के सब नगरों पर टूट पड़े और उनके 3,000 निवासी मार डाले और बहुत लूट ले ली। जब अमस्याह एदोनियों का संहार करके लौट आया, तब उसने सेईरियों के देवताओं को ले आकर अपने देवता करके खड़ा किया और उन्हीं के सामने दंडवत करने और उन्हीं के लिए धूप चलाने लगा। तब यहोवा का क्रोध अमस्याह पर भड़क उठा और उसने उसके पास एक नबी भेजा जिसने उससे कहा, जो देवता अपने लोगों को तेरे हाथ से बचा न सके उनकी खोज में तू क्यों लगा है? वह उससे कह ही रहा था कि उसने उससे पूछा, क्या हमने तुझे राजमंत्री ठहरा दिया है? चुप रह, क्या तू मार खाना चाहता है? तब वह नबी यह कहकर चुप हो गया कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तुझे नाश करने को ठाना है, क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। तब यहूदा के राजा अमस्याह ने सम्मति लेकर इसराइल के राजा योआश के पास, जो येहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था, यो कहला भेजा कि आ, हम एक दूसरे का सामना करें। इसराइल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यो कहला भेजा कि लबानोन पर की एक झड़बेरी ने लबानोन के एक देवदार के पास कहला भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे। इतने में लबानोन का कोई वनपशु पास से चला गया और उस झड़बेरी को रौंद डाला। तू कहता है कि मैंने एदोमियों को जीत लिया है, इस कारण तू फूल उठा और बढ़ाई मारता है। अपने घर में जाकर रह, तू अपनी हानि के लिए यहां क्यों हाथ डालता है? इससे तू क्या वरन यहूदा भी नीचा खाएगा। परंतु अमस्याह ने न माना, यह तो परमेश्वर की ओर से हुआ कि वह उन्हें उनके शत्रु के हाथ कर दे, क्योंकि वे एदोम के देवताओं की खोज में लग गए थे। तब इसराइल के राजा योआश ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेतशेमेश में एक दूसरे का सामना किया और यहूदा इसराइल से हार गया और हर एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इसराइल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्याह को, जो यहोआहाज का पोता और योआश का पुत्र था, बेतशेमेश में पकड़ा और यरूशलेम को ले गया और यरूशलेम की शहरपनाह में से एप्रेमी फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिया और जितना सोना चांदी और जितने पात्र परमेश्वर के भवन में ओबेदेदोम के पास मिले और राजभवन में जितना खजाना था उस सबको और बंधक लोगों को भी लेकर वह शोमरोन को लौट गया। यहोआहाज के पुत्र इज़राइल के राजा योआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह 15 वर्ष तक जीवित रहा। आदि से अंत तक अमस्याह के और काम क्या यहूदा और इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? जिस समय अमस्याह यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से यरूशलेम में
उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वह लाकिश को भाग गया। सो दूतों ने लाकिश तक उसका पीछा करके उसको वही मार डाला। तब वह घोड़ों पर रखकर पहुंचाया गया और उसे उसके पुरखाओं के बीच यहूदा के नगर में मिट्टी दी गई। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 26। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 26। उज्जियाह का राज्य। तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उज्जियाह ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। जब उज्जियाह राज्य करने लगा, तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यकिल्याह था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। तब उसने जाकर पलिश्तियों से युद्ध किया और गत, यबने और अशदोत की शहरपनाहें गिरा दी, और अशदोत के आसपास और पलिश्तियों के बीच में नगर बसाए। और परमेश्वर ने पलिश्तियों और गुरबालवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की, और अम्मोनी उज्जियाह को भेंट देने लगे। वरन उसकी कीर्ति मिस्र के सिवाने तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थ्य हो गया था। फिर उज्जियाह ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवाकर दृढ़ किए, और उसके बहुत जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से हौद खुदवाए, और पहाड़ों पर और कर्मेल में उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। फिर उज्जियाह के योद्धाओं की एक सेना थी, जिनकी गिनती ईएल मुंशी और मासियाह सरदार हनन्याह नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे, और उसके अनुसार वह दल बांधकर लड़ने को जाती थी। पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष जो शूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2600 थी, और उनके अधिकार में 3,750,000 की एक बड़ी सेना थी, जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। इनके लिए, अर्थात पूरी सेना के लिए, उज्जियाह ने ढाले, भाले, टोप, झिलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे, और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहां तक मिली कि वह सामर्थ्य हो गया। परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, और अजरियाह याजक उसके बाद भीतर गया, और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए, और उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उज्जियाह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा, और वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही
उसके माथे पर कोड प्रकट हुआ और अजरियाह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोड निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया। वरन यह जानकर कि यहोवा ने उसे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की और उज्जियाह राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह तो यहोवा के भवन में जाने न पाता था और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। आदि से अंत तक उज्जियाह के और कामों का वर्णन तो आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा है। निदान उज्जियाह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह कोढ़ी है, और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 27। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 27। योताम का राज्य। जब योताम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम यरूशा था जो सादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, अर्थात जैसा उसके पिता उज्जियाह ने किया था ठीक वैसा ही उसने भी किया। तो भी वह यहोवा के मंदिर में न घुसा और प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे। उसी ने यहोवा के भवन के ऊपर वाले फाटक को बनाया और ओपेल की शहरपनाह पर बहुत कुछ बनवाया। फिर उसने यहूदा के पहाड़ी देश में कई नगर दृढ़ किए और जंगलों में गढ़ और गुम्मट बनवाए, और वह अम्मोनियों के राजा से युद्ध करने उन पर प्रबल हो गया। उसी वर्ष अम्मोनियों ने उसको 100 किक्कार चांदी और 10,000 कोर गेहूं और जव दिया, और फिर दूसरे और तीसरे वर्ष में भी उन्होंने उसे उतना ही दिया। योताम सामर्थ्य हो गया, क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। योताम के और काम और उसके सब युद्ध और उसकी चाल चलन, इन सब बातों का वर्णन इसराइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास में लिखा है। जब वह राजा हुआ तब 25 वर्ष का था और वह यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। निदान योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 28। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 28। आहाज का राज्य। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इसराइल के राजाओं की सी चाल चला और बाल देवताओं की मूर्तियां ढलवाकर बनवाई और हिम्मोन के बेटे की तराई में धूप जलाया और उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, अपने लड़के बालों को आग में होम कर दिया और ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। इसलिए उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको अरामियों के राजा के हाथ कर दिया और वे उसको जीतकर उसके बहुत से लोगों को बंधुआ बना के दमिश्क को ले गए और वह इसराइल के राजा के वश में कर दिया गया, जिसने उसे बड़ी मार से मारा। और रमल्याह के पुत्र पेकह ने यहूदा में एक ही दिन में 120,000 लोगों को जो सब के सब वीर थे घात किया, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। और जिक्री नामक एक एप्रेमी वीर ने मासेयाह नामक एक राजपुत्र को और राजभवन के प्रधान अजरीकाम को और एलकाना को जो राजा का मंत्री था मार डाला, और
इस्राएली अपने भाइयों में से स्त्रियों, बेटों और बेटियों को मिलाकर 200,000 लोगों को बंधुआ बना के और उनकी बहुत लूट भी छीनकर शोमरोन की ओर ले चले। परंतु वहां ओदेद नामक यहोवा का एक नबी था। वह शोमरोन को आने वाली सेना से मिलकर उनसे कहने लगा, सुनो, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों पर झुंझलाकर उनको तुम्हारे हाथ कर दिया है और तुमने उनको ऐसा क्रोध करके घात किया जिसकी चिल्लाहट स्वर्ग को पहुंची है। और अब तुमने ठाना है कि यहूदियों को और यरूशलेमियों को अपने दास दासी बनाकर दबाए रखो। क्या तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा के यहां दोषी नहीं हो? इसलिए अब मेरी सुनो और इन बंधुओं को जिन्हें तुम अपने भाइयों में से बंधुआ करके ले आए हो लौटा दो। यहोवा का क्रोध तो तुम पर भड़का है। तब एप्रेमियों के कितने मुख्य पुरुष अर्थात योहानान का पुत्र अजरिया, मशिल्लेमोत का पुत्र बेरेक्या, शल्लूम का पुत्र यहिजकिया और हल्दे का पुत्र अमासा लड़ाई से आने वालों का सामना करके उनसे कहने लगे, तुम इन बंधुओं को यहां मत लाओ, क्योंकि तुमने वह बात ठानी है जिसके कारण हम यहोवा के यहां दोषी हो जाएंगे और उससे हमारा पाप और दोष बढ़ जाएगा। हमारा दोष तो बड़ा है और इस्राएल पर बहुत क्रोध भड़का है। तब उन हथियार बंधुओं ने बंधुओं और लूट को हाकिमों और सारी सभा के सामने छोड़ दिया। तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उन्होंने उठकर बंधुओं को ले लिया और लूट में से सब नंगे लोगों को कपड़े और जूतियां पहनाई और खाना खिलाया और पानी पिलाया और तेल मला। और तब निर्बल लोगों को गधों पर चढ़ाकर यरीहो को, जो खजूर का नगर कहलाता है, उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया। तब वे शोमरोन को लौट आए। उस समय राजा अहाज ने अश्शूर के राजाओं के पास दूत भेजकर सहायता मांगी, क्योंकि एदोमियों ने यहूदा में आकर उसको मारा और बंधुओं को ले गए थे। और पलिश्तियों ने नीचे के देश और यहूदा के दक्षिण देश के नगरों पर चढ़ाई करके बेतलमेश, अय्यालोन और गदेरोत को और अपने अपने गांव समेत सोको, तिमना और गिमजो को ले लिया और उनमें रहने लगे थे। यहोवा ने इसराइल के राजा आहाज के कारण यहूदा को दबा दिया, क्योंकि वह निरंकुश होकर चला और यहोवा से बड़ा विश्वासघात किया। तब अश्शूर का राजा तिलगत पिलनेसेर उसके विरुद्ध आया और उसको कष्ट दिया, दृढ़ नहीं किया। आहाज ने तो यहोवा के भवन और राजभवन और हाकिमों के घरों में से धन निकालकर अश्शूर के राजा को दिया, परंतु इससे उसकी कुछ सहायता न हुई। और क्लेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया और उसने दमिश्क के देवताओं के लिए जिन्होंने उसको मारा था बलि चढ़ाया, क्योंकि उसने यह सोचा कि अरामी राजाओं के देवताओं ने उनकी सहायता की तो मैं उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा कि वे मेरी सहायता करें, परंतु वे उसके और सारे इसराइल के पतन का कारण हुए। फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोरकर तुड़वा डाले और यहोवा के भवन के द्वारों को बंद कर दिया और यरूशलेम के सब कोनों में वेदियां बनाई और यहूदा के एक एक नगर में उसने पराए देवताओं को धूप चलाने के लिए ऊंचे स्थान बनाए और अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को रीस दिलाई और उसके और कामों और आदि से अंत तक उसकी पूरी चाल चलन का वर्णन यहूदा और इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। निदान आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई, परंतु वह इसराइल के राजाओं के कब्रिस्तान में पहुंचाया न गया और उसका पुत्र हिजकिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 29। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 29। हिजकिया के सुधार के काम। जब हिजकिया राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा
और उसकी माता का नाम अबियाह था, जो जकरयाह की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वैसा ही उसने भी किया। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में मैल निकाल दो। देखो, हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया और पवित्र स्थान में इसराइल के परमेश्वर के लिए न तो धूप जलाया और न होम बलि चढ़ाया था। इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाए, जैसे कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। देखो, इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई है। अब मेरे मन ने यह निर्णय किया है कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधू, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। हे मेरे बेटो, ढिलाई न करो। देखो, यहोवा ने अपने सन्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप चलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। तब लेविय उठ खड़े हुए, अर्थात कहातियों में से अमासय का पुत्र महत और अजरिया का पुत्र योएल और मरारियों में से अब्दी का पुत्र कीश और यहललेल का पुत्र अजरियाह और गेरशुनियों में से जिम्मा का पुत्र योआह और योआह का पुत्र एबेन और एलिसापान की संतान में से शिमरी और यूएल और आसाप की संतान में से जकरियाह और मतत्न्याह और हेमान की संतान में से यहुएल और शिमी और यदुतून की संतान में से शमायाह और उज्जियल। इन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा के वचन पाकर दी थी, यहोवा के भवन के शुद्ध करने के लिए भीतर आए। तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सबको निकालकर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया और उसी महीने के आठवें दिन को वे यहोवा के ओसारे तक आ गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को आठ दिन में पवित्र किया और पहले महीने के सोलहवें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा किया। तब उन्होंने राजा हिजकिय्याह के पास भीतर जाकर कहा, हम यहोवा के पूरे भवन को और पात्रों समेत होमबलि की वेदी और भेंट की रोटी की मेज को भी शुद्ध कर चुके और जितने पात्र राजा आहाज ने अपने राज्य में विश्वासघात करके फेंक दिए थे उनको भी हमने ठीक करके पवित्र किया है और वे यहोवा की वेदी के सामने रखे हुए हैं। तब राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर नगर के हाकिमों को इकट्ठा करके यहोवा के भवन को गया। तब वे राज्य और पवित्र स्थान और यहूदा के निमित्त सात बछड़े, सात मेंढे, सात भेड़ के बच्चे और पाप बलि के लिए सात बकरे ले आए और उसने हारून की संतान के लेवियों को आज्ञा दी कि इन सबको यहोवा की वेदी पर चढ़ाए। तब उन्होंने बछड़े बलि किए और याजकों ने उनका लोहू लेकर वेदी पर छिड़क दिया। तब उन्होंने मेंढे बलि किए और उनका लोहू भी वेदी पर छिड़क दिया और भेड़ के बच्चे बलि किए और उनका भी लोहू वेदी पर छिड़क दिया।
तब वे पापबलि के बकरों को राजा और मंडली के समीप ले आए और उन पर अपने हाथ रखे। तब याजकों ने उनको बलि करके उनका लोहू वेदी पर छिड़क कर पाप बलि किया, जिससे सारे इसराइल के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि राजा ने सारे इसराइल के लिए होमबलि और पाप बलि किए जाने की आज्ञा दी थी। फिर उसने दाऊद और राजा के दर्शी गाद और नातान नबी की आज्ञा के अनुसार, जो यहोवा की ओर से उसके नबियों के द्वारा आई थी, झांझ, सारंगिया और विनाय लिए हुए लेवियों को यहोवा के भवन में खड़ा किया। तब लेविय दाऊद के चलाए बाजे लिए हुए, याजक तुरैया लिए हुए खड़े हुए। तब हिजकिय्याह ने वेदी पर होमबलि चढ़ाने की आज्ञा दी, और जब होमबलि चढ़ने लगी तब यहोवा का गीत आरंभ हुआ और तुरैया और इसराइल के राजा दाऊद के बाजे बजने लगे, और मंडली के सब लोग दंडवत करते और गाने वाले गाते और तुरही फूकने वाले फूंकते रहे। यह सब तब तक होता रहा जब तक होमबलि चढ़ न चुकी, और जब बलि चढ़ चुकी तब राजा और जितने उसके संग वहां थे उन सबों ने सिर झुकाकर दंडवत किया, और राजा हिजकिय्याह और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी कि दाऊद और आसाप दर्शी के भजन गाकर यहोवा की स्तुति करें, और उन्होंने आनंद के साथ स्तुति की और सिर नवाकर दंडवत किया। तब हिजकिय्याह कहने लगा, अब तुमने यहोवा के निमित्त अपना अर्पण किया है, इसलिए समीप आकर यहोवा के भवन में मेलबलि और धन्यवाद बलि पहुंचाओ। तब मंडली के लोगों ने मेलबलि और धन्यवाद बलि पहुंचा दिया, और जितने अपनी इच्छा से देना चाहते थे उन्होंने भी होमबलि पहुंचाए। जो होमबलि पशु मंडली के लोग ले आए उनकी गिनती यह थी, 70 बैल, 100 मेंढे और 200 भेड़ के बच्चे, ये सब यहोवा के निमित्त होमबलि के काम में आए, और पवित्र किए हुए पशु 600 बैल और 3000 भेड़ बकरियां थी। परंतु याजक ऐसे थोड़े थे कि वे सब होमबलि पशुओं की खाले न उतार सके। तब उनके भाई लेविय उस समय तक उनकी सहायता करते रहे जब तक वह काम निपट न गया, और याजकों ने अपने को पवित्र न किया, क्योंकि लेविय अपने को पवित्र करने के लिए पवित्र याजकों से अधिक सीधे मन के थे, और फिर होमबलि पशु बहुत थे और मेलबलि पशुओं की चर्बी भी बहुत थी, और एक एक होमबलि के साथ अर्घ भी देना पड़ा। यो यहोवा के भवन में की उपासना ठीक की गई। तब हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण आनंदित हुए जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिए तैयार किया था, क्योंकि वह काम एकाएक हो गया था। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 30। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 30। हिजकिय्याह का माना ऊंचा फसह। फिर हिजकिय्याह ने सारे इसराइल और यहूदा में कहला भेजा, और एप्रेम और मनश्शे के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ। राजा और उसके हाकिमों और यरूशलेम की मंडली ने सम्मति की थी कि फसह को दूसरे महीने में मनाए। वे उसे उस समय तक इस कारण न मना सकते थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया था, और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठे न हुए थे, और यह बात राजा और सारी मंडली को अच्छी लगी। तब उन्होंने यह ठहरा दिया कि बेर्शेबा से लेकर दान के सारे इसराइलियों में यह प्रचार किया जाए कि यरूशलेम में इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को चले आओ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार न मनाया था जैसा कि लिखा है। इसलिए हरकारे राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इसराइल और यहूदा में घूमे, और यह कहते गए कि हे इसराइलियों, इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, कि वह अश्शूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए
तुम लोगों की ओर फिरे और अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया था, जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो। अब अपने पुरखाओं की नाई हट न करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में जाओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और लड़के वालों को बंधुआ बनाने के ले गए हैं, वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे न मोड़ेगा। इस प्रकार हरकारे एप्रेम और मनुष्य के देशों में नगर नगर होते हुए जुबलून तक गए, परंतु उन्होंने उनकी हंसी की और उन्हें ठट्टों में उड़ाया। तो भी आशेर, मनुष्य और जुबलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए, और यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी उसे मानने को तैयार हुए। इस प्रकार अधिक लोग यरूशलेम में इसलिए इकट्ठे हुए कि दूसरे महीने में अखमेरी रोटी का पर्व माने, और बहुत बड़ी सभा इकट्ठी हो गई, और उन्होंने उठकर यरूशलेम की वेदियों और धूप चलाने के सब स्थानों को उठाकर किद्रोन नाले में फेंक दिया। तब दूसरे महीने के 14वें दिन को उन्होंने फसह के पशु बलि किए। तब याजक और लेवीय लज्जित हुए और अपने को पवित्र करके होम बलियों को यहोवा के भवन में ले आए, और वे अपने नियम के अनुसार अर्थात परमेश्वर के जन मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने स्थान पर खड़े हुए, और याजकों ने रक्त को लेवियों के हाथ से लेकर छिड़क दिया, क्योंकि सभा में बहुत रे ऐसे थे जिन्होंने अपने को पवित्र न किया था। इसलिए अब अशुद्ध लोगों के फसह के पशुओं को बलि करने का अधिकार लेवियों को दिया गया कि उनको यहोवा के लिए पवित्र करे। बहुत से लोगों ने अर्थात एप्रेम, मनुष्य, इस्साकार और जुबलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था, तो भी वे फसह के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे, क्योंकि हिचकिया ने उनके लिए यह प्रार्थना की थी कि यहोवा जो भला है वह उन सबों के पाप ढाप दे जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार अशुद्ध न भी हो। और यहोवा ने हिजकिया की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया, और जो इसराइली यरूशलेम में उपस्थित थे वे 7 दिन तक अखमीरी रोटी का पर्व बड़े आनंद से मनाते रहे, और प्रतिदिन लेवीय और याजक ऊंचे शब्द के बाजे यहोवा के लिए बजाकर यहोवा की स्तुति करते रहे, और जितने लेवीय यहोवा का भजन बुद्धिमानी के साथ करते थे उनको हिजकिया ने शांति के वचन कहे। इस प्रकार वे मेलबलि चढ़ाकर और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सन्मुख पापांगीकार करते रहे और उस नियत पर्व के 7 दिन तक खाते रहे। तब सारी सभा ने सम्मति की कि हम और 7 दिन पर्व मानेंगे, सो उन्होंने और 7 दिन आनंद से पर्व मनाया, क्योंकि यहूदा के राजा हिजकिया ने सभा को 1,000 बछड़े और 7,000 भेड़ बकरियां दे दी, और हाकिमों ने सभा को 1,000 बछड़े और 10,000 भेड़ बकरियां दी, और बहुत से याजकों ने अपने को पवित्र किया। तब याजकों और लेवियों समेत यहूदा की सारी सभा और इसराइल से आए हुओं की सभा और इसराइल के देश से आए हुए और यहूदा में रहने वाले परदेशी इन सबों ने आनंद किया, सो यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इसराइल के राजा सुलेमान के दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में न हुई थी। अंत में लेवीय याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया
और उनकी सुनी गई और उनकी प्रार्थना उनके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 31। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 31। हिजकिय्याह का किया ऊंचा उपासना का प्रबंध। जब यह सब हो चुका तब जितने इसराइली उपस्थित थे उन सबों ने यहूदा के नगरों में जाकर सारे यहूदा और बिन्यामीन और एप्रेम और मनश्शे में की लाठों को तोड़ दिया, अशेरों को काट डाला और ऊंचे स्थानों और वेदियों को गिरा दिया और उन्होंने उन सब का अंत कर दिया। तब सब इसराइली अपने अपने नगर को लौटकर अपनी अपनी निज भूमि में पहुंचे और हिजकिय्याह ने यहोवा के दलों और लेवियों को वरन् याजकों और लेवियों दोनों को प्रतिदल के अनुसार और एक एक मनुष्य को उसकी सेवकाई के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि वे यहोवा की छावनी के द्वारों के भीतर होमबलि मेलबलि सेवा टहल धन्यवाद और स्तुति किया करें। फिर उसने अपनी संपत्ति में से राजभाषा को होमबलियों के लिए ठहरा दिया अर्थात सवेरे और सांझ की होमबलि और विश्राम और नए चांद के दिनों और नियत समयों की होमबलि के लिए जैसा कि यहोवा की व्यवस्था में लिखा है। और उसने यरूशलेम में रहने वालों को याजकों और लेवियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी ताकि वे यहोवा की व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सके। यह आज्ञा सुनते ही इसराइली अन्न नया दाख मधु टक्का तेल मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। और जो इसराइली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे वे भी बैलों और भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी लाकर ढेर ढेर करके रखने लगे। इस प्रकार ढेर का लगाना उन्होंने तीसरे महीने में आरंभ किया और सातवें महीने में पूरा किया। जब हिजकिय्याह और हाकिमों ने आकर उन ढेरों को देखा तब यहोवा को और उसकी प्रजा इसराइल को धन्य धन्य कहा। तब हिजकिय्याह ने याजकों और लेवियों से उन ढेरों के विषय पूछा अर्थात अजरियाह महायाजक ने जो सादोक के घराने का था उसने कहा जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटे लाने लगे तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं वरन बहुत बचा भी करता है क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है और जो शेष रह गया है उसी का यह बड़ा ढेर है। तब हिजकिय्याह ने यहोवा के भवन में कोठरियां तैयार करने की आज्ञा दी और वे तैयार की गई। तब लोगों ने उठाई हुई भेंटे दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं सच्चाई से पहुंचाई और उनके मुख्य अधिकारी तो कोनन्याह नाम एक लेवीय और दूसरा उसका भाई शिमी नायब था और कोनन्याह और उसके भाई शिमी के नीचे हिजकिय्याह राजा और परमेश्वर के भवन के प्रधान अजरियाह दोनों की आज्ञा से अहेल अजज्याह नहत असाहेल यरीमेत योजाबाद एलियल इस्मक्याह महत और बनायाह अधिकारी थे और परमेश्वर के लिए स्वेच्छा बलियों का अधिकारी इम्ना लेविय का पुत्र कोरे था जो पूर्व फाटक का द्वारपाल था कि वह यहोवा की उठाई हुई भेंटे और परमपवित्र वस्तुएं बांटा करे और उसके अधिकार में एदेन मिन्यामीन येशु शमायाह अमरियाह और शकन्याह याजकों के नगरों में रहते थे कि वे क्या बड़े क्या छोटे अपने भाइयों को उनके दलों के अनुसार सच्चाई से दिया करें और उनके अलावा उनको भी दे जो पुरुषों की वंशावली के अनुसार गिने जाकर 3 वर्ष की अवस्था के व उससे अधिक आयु के थे और अपने अपने दल के अनुसार अपनी अपनी सेवकाई निभाने को दिन दिन के काम के अनुसार यहोवा के भवन में जाया करते थे और
उन याजकों को भी दे जिनकी वंशावली उनके पितरों के घरानों के अनुसार की गई, और उन लेवियों को भी जो 20 वर्ष की अवस्था से ले आगे को अपने अपने दल के अनुसार अपने अपने काम निभाते थे, और सारी सभा में उनके बाल बच्चों को, स्त्रियों, बेटों और बेटियों को भी दे जिनकी वंशावली थी, क्योंकि वे सच्चाई से अपने को पवित्र करते थे। फिर हारून की संतान के याजकों को भी जो अपने अपने नगरों के चराई वाले मैदान में रहते थे देने के लिए वे पुरुष नियुक्त किए गए थे जिनके नाम ऊपर लिखे हुए थे कि वे याजकों के सब पुरुषों और उन सब लेवियों को भी उनका भाग दिया करे जिनकी वंशावली थी। और सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया, और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था उसे वह करता था, और जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया वह उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें कृतार्थ भी हुआ। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 32। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 32। सन्हेरिब की सेना की चढ़ाई और निवास। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अश्शूर का राजा सन्हेरिब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। यह देखकर कि सन्हेरिब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की मनसा करता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। इस पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए और यह कहकर कि अश्शूर के राजा क्यों यहां आए और आकर बहुत पानी पाए, उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य होकर बहती थी। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहरपनाह जहां कहीं टूटी थी वहां वहां उसको बनवा दिया, और उसे घुम्मटों के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई, और दाऊदपुर में मिलों को दृढ़ किया और बहुत से तीर और ढाले भी बनवाए। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौकों में इकट्ठा किया, और यह कहकर उनको धीरज दिया कि हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम न तो अश्शूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। इसके बाद अश्शूर का राजा सन्हेरिब, जो सारी सेना समेत लाकीश के सामने पड़ा था, उसने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे यो कहने के लिए भेजा कि अश्शूर का राजा सन्हेरिब कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है जिससे कि तुम घेरे हुए यरूशलेम में बैठे हो? क्या हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको अश्शूर के राजा के पंजे से बचाएगा तुम्हें नहीं भरमाता है कि तुमको भूखो प्यासो मारे? क्या उसी उज्जियाह ने उसके ऊंचे स्थान और वेदियां दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम एक ही वेदी के सामने दंडवत करना और उसी पर धूप जलाना? क्या तुमको मालूम नहीं कि मैंने और मेरे पुरखाओं ने देश के सब लोगों से क्या क्या किया है? क्या उन देशों की जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथ से बचा सके? जितनी जातियों का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका हो? फिर तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? अब हिजकिय्याह तुमको इस रीति भुलाने अथवा बहकाने न पाए और तुम उसकी प्रतीति न करो, क्योंकि किसी जाति
या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को न तो मेरे हाथ से और न मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका। यह निश्चय है कि तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। इससे भी अधिक, उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी कि जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने उच्च शब्द से उन यरूशलेम वासियों को जो शहरपनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकार कर कि उनको डराकर घबराहट में डाल दे, जिससे नगर को ले ले। और उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की मानो पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो जो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। तब इस घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दोहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेजा जिसने अश्शूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नाश किया और वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। और जब वह अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। यहोवा ने हिजकिय्याह और यरूशलेम के निवासियों को अश्शूर के राजा सन्हेरीब और अपने सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई की। और बहुत लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे और उस समय से वह सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। हिजकिय्याह का उत्तम चरित्र। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरा चाहता था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चमत्कार दिखाया, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का। और हिजकिय्याह को बहुत ही धन और विभव मिला और उसने चांदी, सोने, मनियों, सुगंध द्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मनभावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। फिर उसने अन्न, नया दाखमधु, टक्का तेल, इसके लिए भंडार और सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनवाई और उसने नगर बसाए और बहुत ही भेड़ बकरियों और गाय बैलों की संपत्ति इकट्ठी कर ली क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत ही धन दिया था। उसी हिजकिय्याह ने गिहोन नाम नदी के ऊपर के सोते को पाटकर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर की पश्चिम अलंग को सीधा पहुंचाया। और हिजकिय्याह अपने सब कामों में कृतार्थ होता था। तभी जब बाबेल के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए चमत्कार के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। हिजकिय्याह के और काम और उसके भक्ति के काम आमोस के पुत्र यशायाह नबी के दर्शन नाम पुस्तक में और यहूदा और इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। अंत में हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊद की संतान के कब्रिस्तान में चढ़ाई पर मिट्टी दी गई और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने उसकी मृत्यु पर उसका आदरमान किया और उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 33। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 33। मनश्शे का राज्य। जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने
उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिया ने तोड़ दिया था फिर बनवाया, और बाल नाम देवताओं के लिए वेदियां और अशेरा नाम मूर्तें बनाई, और आकाश के सारे गण को दंडवत करता और उनकी उपासना करता रहा। और उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गण के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने हिम्मोन के बेटे की तराई में अपने लड़के बालों को होम करके चढ़ाया, और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझो और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा के दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। और उसने अपनी खुदवाई हुई मूर्ति परमेश्वर के उस भवन में स्थापन की जिसके विषय परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था कि इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इसराइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है मैं अपना नाम सर्वदा रखूंगा, और मैं ऐसा न करूंगा कि जो देश मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया था उसमें से इसराइल फिर मारा मारा फिरे। इतना अवश्य हो कि वे मेरी सब आज्ञाओं को अर्थात मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों और नियमों को पालन करने की चौकसी करें, और मनुष्य ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहां तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से विनाश किया था। और यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियां जकड़कर उसे बाबेल को ले गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। इसके बाद उसने दाऊदपुर से बाहर गिहोन के पश्चिम की ओर नाले में मछली फाटक तक एक शहर पनाह बनवाई, फिर ओपेल को घेरकर बहुत ऊंचा कर दिया और यहूदा के सब गढ़वाले नगरों में सेनापति ठहरा दिया। फिर उसने पराए देवताओं को और यहोवा के भवन में की मूर्ति को और जितनी वेदियां उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी उन सबको दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और उस पर मेलबलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा और यहूदियों को इसराइल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। तब भी प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर बलिदान करते रहे परंतु केवल अपने परमेश्वर यहोवा के लिए। मनुष्य के और काम और उसने जो प्रार्थना अपने परमेश्वर से की और उन दर्शियों के वचन जो इसराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से उससे बातें करते थे यह सब इसराइल के राजाओं के इतिहास में लिखा हुआ है। और उसकी प्रार्थना और वह कैसे सुनी गई और उसका सारा पाप और विश्वासघात और उसने दीन होने से पहले कहां कहां उच्च स्थान बनवाए और अशेरा नाम और खुदी हुई मूर्तियां खड़ी कराई यह सब होशे के वचन में लिखा है। निदान मनुष्य अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसी के घर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आमोन का राज्य। जब आमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने अपने पिता मनुष्य की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और जितनी मूर्तियां उसके पिता मनुष्य ने खोदकर बनवाई थी वह भी
उन सबों के सामने बलिदान करता और उन सबों की उपासना भी करता था। और जैसे उसका पिता मनुष्य यहोवा के सामने दीन हुआ, वैसे वह दीन न हुआ, वरन आमोन अधिक दोषी होता गया। और उसके कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके उसको उसी के भवन में मार डाला। तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योशियाह को उसके स्थान पर राजा बनाया। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 34। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 34। योशियाह का किया हुआ सुधार और व्यवस्था की पुस्तक का मिलना। जब योशियाह राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वह भी चला करता था, और उससे न तो दाहिनी ओर मुड़ा और न बाईं ओर, वह लड़का ही था। अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी न हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा, और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और अशेरा नाम मूर्तों को और खुदी और ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा, और बाल देवताओं की वेदियां उसके सामने तोड़ डाली गई, और सूर्य की प्रतिमाएं जो उनके ऊपर ऊंचे पर थी उसने काट डाली, और अशेरा नाम और खुदी हुई और ढली हुई मूर्तों को उसने तोड़कर पीस डाला, और उनकी बुकनी उन लोगों की कब्रों पर छित्रा दी जो उनको बलि चढ़ाते थे, और पुजारियों की हड्डियां उसने उन्हीं की वेदियों पर जलाई। यो उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया। फिर मनुष्य एप्रेम और शिमोन के बरन नप्ताली तक के नगरों के खंडहरों में उसने वेदियों को तोड़ डाला और अशेरा नाम और खुदी हुई मूर्तों को पीसकर बुकनी कर डाला, और इसराइल के सारे देश की सूर्य की सब प्रतिमाओं को काटकर यरूशलेम को लौट गया। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका, तब उसने असल्याह के पुत्र शापान और नगर के हाकिम मासियाह और योआहाज के पुत्र इतिहास के लेखक योआज को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए भेज दिया। सो उन्होंने हिल्कियाह महायाजक के पास जाकर जो रुपया परमेश्वर के भवन में लाया गया था, अर्थात जो लेवीय दरबानों ने मनुष्यों एप्रेमियों और सब बचे हुए इसराइलियों से और सब यहूदियों और बिन्यामिनियों से और यरूशलेम के निवासियों के हाथ से लेकर इकट्ठा किया था उसको सौंप दिया, अर्थात उन्होंने उसे उस काम करने वालों के हाथ सौंप दिया जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिए थे, और यहोवा के भवन के उन काम करने वालों ने उसे भवन में जो कुछ टूटा फूटा था उसकी मरम्मत करने में लगाया, अर्थात उन्होंने उसे बढ़ईयों और राजाओं को दिया कि वे गढ़े हुए पत्थर और जोड़ों के लिए लकड़ी मोल ले और उन घरों को पाटे जो यहूदा के राजाओं ने नाश कर दिए थे, और वे मनुष्य सच्चाई से काम करते थे, और उनके अधिकारी मरारीह यहत और ओबद्याह लेविय और कहाती जकरियाह मशुल्लाम काम चलाने वाले और गाने बजाने का भेद सब जानने वाले लेविय भी थे। फिर वे बोझियों के अधिकारी थे और भांति भांति की सेवकाई और काम चलाने वाले थे, और कुछ लेविय मुंशी सरदार और दरबान थे। जब वे उस रुपये को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल रहे थे, तब हिल्कियाह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। तब हिल्कियाह ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्कियाह ने शापान को वह पुस्तक दी। तब शापान उस पुस्तक को राजा के पास ले गया और यह संदेशा दिया कि जो जो काम तेरे कर्मचारियों को सौंपा गया था उसे वे कर रहे थे, और
जो रुपया यहोवा के भवन में मिला उसको उन्होंने उंडेलकर मुखियों और कारीगरों के हाथों में सौंप दिया है। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिल्कियाह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। तब शापान ने उसमें से राजा को पढ़कर सुनाया। व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर राजा ने हिल्कियाह शापान के पुत्र अहीकाम, मिका के पुत्र अब्दोन, शापान मंत्री और असायाह नाम अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि तुम जाकर मेरी ओर से और इसराइल और यहूदा में रहने वालों की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब हिल्कियाह ने राजा के पास और दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे उसी बात के अनुसार बातें की। वह तो उस शल्लूम की स्त्री थी जो तोखत का पुत्र और हस्त्रा का पोता और वस्त्रालय का रखने वाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। उसने उनसे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है उससे यह कहो कि यहोवा यो कहता है कि सुन, मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई उसमें जितने शाप लिखे हैं उन सबों को पूरा करूंगा। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप चलाया है और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत न होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा के पूछने को भेज दिया है उससे तुम यो कहो कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर नवाया और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इस निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर नवाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है, इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यही वाणी है, सुन, मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर डालना चाहता हूं उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यही संदेश दिया। तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरुणियों को इकट्ठे होने को बुलवा भेजा, और राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और लेवियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसमें की सारी बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने पूर्ण मन और पूर्ण जीव से उसकी आज्ञाएं, चेतौनियां और विधियों का पालन करूंगा, और इन वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और उसने उन सबों से जो यरूशलेम में और बिन्यामीन में थे वैसी ही वाचा बंधाई, और यरूशलेम के निवासी परमेश्वर जो उनके पितरों का परमेश्वर था उसकी वाचा के अनुसार करने लगे। और योशियाह ने इसराइलियों के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितने इसराइल में मिले उन सबों से उपासना कराई, अर्थात उनके यहोवा परमेश्वर की उपासना कराई, और उसके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 35। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 35। योशियाह का किया ऊंचा फसह। और योशियाह ने यरूशलेम में यहोवा के लिए फसह पर्व मनाया, और पहले महीने के 14वें दिन को फसह का पशु बलि किया गया, और उसने याजकों को अपने अपने काम में ठहराया और यहोवा के भवन में की सेवा करने को उनका हियाव बंधाया। फिर लेवीय जो इसराइलियों को सिखाते और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे थे
उनसे उसने कहा, तुम पवित्र संदूक को उस भवन में रखो जो दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान ने बनवाया था। अब तुमको कंधों पर बोझ उठाना न होगा। अब अपने परमेश्वर यहोवा की ओर उसकी प्रजा इस्राएल की सेवा करो, और इस्राएल के राजा दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान दोनों की लिखी हुई विधियों के अनुसार, अपने अपने पितरों के अनुसार, अपने अपने दल में तैयार रहो, और तुम्हारे भाई लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार पवित्र स्थान में खड़े रहो, अर्थात उनके एक भाग के लिए लेवियों के एक एक पितर के घराने का एक भाग हो, और फसह के पशुओं को बलि करो, और अपने अपने को पवित्र करके अपने भाइयों के लिए तैयारी करो कि वे यहोवा के उस वचन के अनुसार कर सके जो उसने मूसा के द्वारा कहा था। फिर योशियाह ने सब लोगों को जो वहां उपस्थित थे 30,000 भेड़ों और बकरियों के बच्चे और 3,000 बैल दिए थे। ये सब फसह के बलिदानों के लिए राजा की संपत्ति में से दिए गए थे, और उसके हाकिमों ने प्रजा के लोगों को, याजकों, लेवियों को स्वच्छ बलियों के लिए पशु दिए, और हिल्कियाह, जकरियाह और यहीएल नाम परमेश्वर के भवन के प्रधानों ने याजकों को 2,600 भेड़ बकरियां और 300 बैल फसह के बलिदानों के लिए दिए, और कोनन्याह ने और शमायाह और नतनेल जो उसके भाई थे, और हसब्याह, ईएल और योजाबाद नामक लेवियों के प्रधानों ने लेवियों को 5,000 भेड़ बकरियां और 500 बैल फसह के बलिदान के लिए दिए। इस प्रकार उपासना की तैयारी हो गई, और राजा की आज्ञा के अनुसार याजक अपने अपने स्थान पर और लेवीय अपने अपने दल में खड़े हुए। तब फसह के पशु बलि किए गए, और याजक बलि करने वालों के हाथ से लोहू को लेकर छिड़क देते और लेवीय उनकी खाल उतारते गए। तब उन्होंने होम बलि के पशु इसलिए अलग किए कि उन्हें लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार दे कि वे उन्हें यहोवा के लिए चढ़ावा दे, जैसा कि मूसा की पुस्तक में लिखा है, और बैलों को भी उन्होंने वैसा ही किया। तब उन्होंने फसह के पशुओं का मांस विधि के अनुसार आग में भूंजा, और पवित्र वस्तुएं हड्डियों और हंडों और थालियों में सिझाकर फुर्ती से लोगों को पहुंचा दिया। तब उन्होंने अपने लिए और याजकों के लिए तैयारी की, क्योंकि हारून की संतान के याजक होमबलि के पशु और चर्बी रात तक चढ़ाते रहे। इस कारण लेवियों ने अपने लिए और हारून की संतान के याजकों के लिए तैयारी की, और आसपास के वंश के गवैये दाऊद, आसाप, हेमान और राजा के दर्शी यदुतून की आज्ञा के अनुसार अपने अपने स्थान पर रहे, और द्वारपाल एक एक फाटक पर खड़े रहे। उन्हें अपना अपना काम छोड़ना न पड़ा, क्योंकि उनके भाई लेवियों ने उनके लिए तैयारी की थी। यूं ही उसी दिन राजा योशियाह की आज्ञा के अनुसार फसह मनाने और यहोवा की वेदी पर होमबलि चढ़ाने के लिए यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की गई। जो इस्राएली वहां उपस्थित थे उन्होंने फसह को उसी समय और अखमीरी रोटी के पर्व को 7 दिन तक माना। इस तरह इस फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों से इस्राएल में कोई फसह मनाया न गया था, और न इस्राएल के किसी राजा ने ऐसा मनाया जैसा योशियाह और याजकों और लेवियों और जितने यहूदी और इस्राएली उपस्थित थे उन्होंने और यरूशलेम के निवासियों ने मनाया। यह फसह योशियाह के राज्य के 18वें वर्ष में मनाया गया था। योशियाह की मृत्यु। इसके बाद जब योशियाह भवन को तैयार कर चुका, तब मिस्र के राजा नको ने परात के पास के कर्कमिश नगर से लड़ने को चढ़ाई की, और योशियाह उसका सामना करने को गया, परंतु उसने उसके पास दूतों से कहला भेजा कि हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम? आज मैं तुझ पर नहीं उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूं जिसके साथ मैं युद्ध करता हूं। फिर परमेश्वर ने मुझसे फुर्ती करने को कहा है, इसलिए
परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रहा, कहीं ऐसा न हो कि वह तुझे नाश करे। परंतु योशिया ने उससे मुंह न मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला और नको के उन वचनों को न माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे, और मगिद्दो की तराई में उससे युद्ध करने को गया। तब धनुर्धारियों ने राजा योशिया की ओर तीर छोड़े, और राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं तो बहुत घायल हुआ हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से ले जाओ। तब उसके सेवकों ने उसको रथ पर से उतारकर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम ले गए, और वह वहां मर गया, और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। और यहूदियों और यरूशलेमियों ने योशिया के लिए विलाप किया, और इर्मयाह ने योशिया के लिए विलाप का गीत बनाया, और सब गाने वाले और गाने वालियां अपने विलाप के गीतों में योशिया की चर्चा आज तक करती है, और इनका गाना इसराइल में एक विधि के तुल्य ठहराया गया, और ये बातें विलाप गीतों में लिखी हुई है। योशिया के और काम और भक्ति के जो काम उसने उसी के अनुसार किए जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा हुआ है, और आदि से अंत तक उसके सब काम इसराइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 36। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 36। यहोआहाज, यहोयाकीम, यहोयाकीन और सिदकिया का राज्य। तब देश के लोगों ने योशिया के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसके पिता के स्थान पर यरूशलेम में राजा बनाया। जब यहोआहाज राज्य करने लगा तब वह 23 वर्ष का था, और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। तब मिस्र के राजा ने उसको यरूशलेम में राजगद्दी से उतार दिया, और देश पर 100 किक्कार चांदी और किक्कार भर सोना जुर्माने में दंड लगाया। तब मिस्र के राजा ने उसके भाई इल्याकीम को यहूदा और यरूशलेम का राजा बनाया, और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा, और नको उसके भाई यहोआहाज को मिस्र ले गया। तब यहोयाकीम राज्य करने लगा। तब वह 25 वर्ष का था, और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उस पर बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की, और बाबेल ले जाने के लिए उसको बेड़िया पहना दी। फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बाबेल ले जाकर अपने मंदिर में जो बाबेल में था रख दिए। यहोयाकीम के और काम, उसने जो जो घिनौने काम किए और उसमें जो जो बुराइयां पाई गई, वह सब इसराइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी है। और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था, और 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसने वह किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उसे और यहोवा के भवन के मनभावने पात्रों को बाबेल में मंगवा लिया, और उसके भाई सिदकिया को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया। जब सिदकिया राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था, और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, यद्यपि इर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें करता था, तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। फिर नबूकदनेस्सर, जिसने उससे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी, उसने उससे बलवा किया, और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इसराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे। यहूदियों की बंधुआई। वरन सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया, और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला, और उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था।
परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की गई। यहोवा ने सबों को उनके हाथ में कर दिया। और क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बाबेल में ले गया और कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जला दिया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। और जो तलवार से बच गए उन्हें वह बाबेल को ले गया और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोते के अधीन रहे। यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सुना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। यहूदियों का फिर से भाग्यवान होना। फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई कि फारस का राजा कुसरू कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम में जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा।